तो लास्ट टाइम मैं जैसे बोल रहा था, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे यहाँ पे। डेटा को लोड करने के बाद हम पावर क्वेरी एडिटर पे जाते थे ड्यू टू द बाय द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसफॉर्म डेटा, राइट। या फिर आप डायरेक्टली डेटा को लोड करने के टाइम पे यहाँ पे लोड एंड ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन मिलता है, वहाँ पे भी अगर ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली पावर क्वेरी एडिटर पे जा सकते हो, राइट। या फिर तीसरा ऑप्शन से यहाँ पे देखो, अब जैसे पावर बी आई डेस्कटॉप पे आप डेटा को यहाँ पे लोड करोगे, यहाँ पे थ्री डॉट्स दिख रहा है, ओके। तो ये थ्री डॉट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे शायद एडिट का ऑप्शन होता है, यहाँ पे एडिट क्वेरी है देखो, राइट। तो अगर आप यहाँ पे एडिट क्वेरी, याद रखो यहाँ पे जब डेटा आप लोड करोगे, लोड करने के बाद पावर बी आई डेस्कटॉप पे डेटा लोड करने के बाद यहाँ पे भी अगर डेटा सेट पे कहीं पे थ्री डॉट पे ऐसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एडिट क्वेरी का ऑप्शन मिलेगा, ओके। तो आप एडिट क्वेरी पे भी क्लिक करोगे तो भी आप ट्रांसफॉर्म डेटा पे जा सकते हो, ऑलराइट। तो मैं सिंपल यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करता हूँ और डायरेक्टली मैं पावर क्वेरी एडिटर पे मूव करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो पावर बी आई डेस्कटॉप के साथ पावर क्वेरी एडिटर भी यहाँ पे आ चुका है, ऑलराइट। और यहाँ पे आप ऐसे पॉइंटर रखोगे तो दोनों खुला हुआ है, यहाँ पे पावर बी डेस्कटॉप है, यहाँ पे पावर क्वेरी एडिटर है। तो पावर क्वेरी ट्रांसफॉर्म डेटा पे जैसे ही क्लिक करोगे ये आपके लिए एक नया टैब खोल देगा जहाँ पे पावर क्वेरी एडिटर ऐसे लिखा होता है, ऑलराइट। तो हमने लास्ट टाइम जैसे कंप्लीट किया था, यहाँ पे आपको सबसे पहले पावर क्वेरी एडिटर में हम पावर क्वेरी एडिटर को क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमको ट्रांसफॉर्मेशंस का काम अगर करना है, यानी कि अपना जो एग्जिस्टिंग डेटा में अगर कुछ चेंजेस करना है तो उस केस पे हम ट्रांसफॉर्म डेटा के, यानी कि ट्रांसफॉर्म डेटा करने के लिए हम पावर क्वेरी एडिटर में जाते हैं, राइट। यानी कि डेटा को चेंज करने के लिए अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ऑलराइट। तो पावर क्वेरी एडिटर क्या है, एक वन टाइप ऑफ ETL टू है, राइट। यानी कि एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड, राइट, जिसके थ्रू से हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, आप पावर क्वेरी एडिटर पे भी आके यहाँ पे डायरेक्टली न्यू सोर्स पे जाके यहाँ पे एक्सेल या फिर कोई भी मोर में क्लिक करके अपना डेटा सोर्स को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो पावर क्वेरी एडिटर में। और उसके बाद उसके ऊपर आप जो भी ट्रांसफॉर्मेशन का काम होगा या फिर कुछ जो भी एडिट वगैरह करोगे अपना डेटा सेट पे, वो यहाँ पे पावर क्वेरी एडिटर में डायरेक्टली कर सकते हो, ओके। तो जैसे कि मैंने बताया था, हम लोग का जो ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि पावर क्वेरी एडिटर में आने के बाद सबसे पहले आपको डेटा सेट का नाम देखना है, ये आपको प्रॉपरली रखना है, ओके, जो कि एक एक प्रॉपर रहना चाहिए आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। देन आपको क्या देखना था, यहाँ पे जो भी कॉलम्स हैं, यहाँ पे कौन सा कॉलम्स है ये सबसे पहले देख लेना है। उसके बाद जो भी कॉलम्स हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो अपना जो डेटा पीपल होंगे उनके साथ डिस्कस कर सकते हो, ओके। यानी कि जो डेटा आपको भेजा होगा उसके साथ डिस्कस कर सकते हो कि ये कॉलम एक्चुअल में क्या है, ओके, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो, ऑलराइट। तो सिंपल अगर वो बोलता है जैसे बोलेगा वैसे यहाँ पे आप चेंज कर दोगे, ओके। चेंज करने के बाद आपको क्या करना है, कॉलम सभी के बारे में आप समझ जाओगे उनके उनसे। उसके बाद आपको देखना है कि ये पर्टिकुलर कॉलम जितना भी है ये किस टाइप का डेटा कंटेन करता है, राइट। जैसे यहाँ पे देख रहे हो ID, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो यहाँ देख सकते हो ये कौन सा टाइप का डेटा है, ऑलराइट, यहाँ पे। और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो ये जो पर्टिकुलर कॉलम है ये कैसे टाइप किस टाइप का डेटा कंटेन करता है, ये होल नंबर टाइप का डेटा कंटेन करता है। तो उसका डेटा टाइप यहाँ पे आप क्लिक करके उसका डेटा टाइप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। अगर पॉइंट पे है तो डेसिमल सेलेक्ट करोगे, होल नंबर है तो ये सिलेक्ट करना है, परसेंटेज वैल्यू है तो यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट करना है, डेट टाइप का डेटा है तो ये वाला सिलेक्ट करना है, टाइम है तो ये वाला, एंड डेट टाइम है तो ये वाला डेटा टाइप आपको सिलेक्ट कर लेना है, ओके। देन अगर टेक्स्ट टाइप का डेटा है ये वाला जैसे है तो इस टाइम पे आप टेक्स्ट टाइप का डेटा यहाँ पे टेक्स्ट डेटा टाइप को सिलेक्ट करना है। अगर ट्रू फॉल्स आता है तो आप ये वाला बाइनरी ये सॉरी ये ट्रू एंड फॉल्स को आप ये वाला डेटा टाइप को आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये हम ऑलरेडी लास्ट क्लास पढ़ चुके हैं, राइट। उसके अलावा हमने और चीज़ें जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा था क्लोज एंड अप्लाई क्या होता है। यहाँ पे जो भी चीज़ें आप इंप्लीमेंट करोगे, इंप्लीमेंट करने के बाद इसको अगर आप अप्लाई करना चाहते हो एंड पावर क्वेरी एडिट सॉरी पावर वे डेस्कटॉप में जाना चाहते हो तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करके पावर वे डेस्कटॉप में वो आप ये जो ट्रांसफॉर्म डेटा यानी कि क्लीन डेटा को लेके जा सकते हो यहाँ पे क्लिक करने के बाद, ओके। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ पे जैसे दो टैब है, राइट। तो पावर क्वेरी एडिटर वाला ये क्लोज हो जाएगा, ओनली पावर वे डेस्कटॉप पे दिखेगा, ओके, ये आपका जो क्लीन डेटा, ऑलराइट। देन न्यू सोर्स पे बता दें, आप न्यू डेटा यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो, रिसेंट सोर्स जो भी आप रिसेंटली जो भी डेटा सोर्स आपने यूज़ किया है पावर क्वेरी एडिटर में वो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केस पे होता है। क्यों यहाँ पे रिसेंट सोर्स का ऑप्शन है, क्योंकि लोगों को फिर से जाके डेटा सोर्स में जाके फिर से कनेक्ट करो डेटाबेस को, उसके बाद डेटा लेके आना या फिर पावर या फिर एक्सेल टाइप का डेटा है फिर से वहाँ पे जाओ फिर से लोड करो तो थोड़ा टाइम लगता है। तो आपका ये जो पावर बी आई डेस्कटॉप होता है या फिर पावर क्वेरी एडिटर होता है वो क्या करता है, अपना जो कैश मेमोरी मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पे रिसेंटली डेटा को स्टोर करके रखा हुआ होता है, ओके। आप जब भी मोबाइल पे जब यूज़ करते हो, राइट, कोई भी साइट पे जाते हो सपोज़ facebook.com,
ओके देन आपने लॉग इन किया, ओपन किया, यूज़ किया, ओके देन नेक्स्ट दिन में अगर नेक्स्ट डे पे अगर आप जाते हो वहाँ पे गूगल क्रोम पे ऐप लगते हो तो ऑटोमेटिकली वो सजेस्ट करता है आपको, राइट, facebook.com ऑटोमेटिकली आ जाता है, राइट, सर्च बार पे। तो वो क्यों आता है, क्योंकि आपने प्रीवियस डे पे आपने सर्च किया था, तो गूगल क्रोम को लगता है कि आप आज भी वही ऐप लिख रहे हो, यानी कि आज भी facebook.com पे जाना चाहते हो, इसलिए वो आपको रेकमेंड कर देता है, राइट। तो वो जो क्रोम है, वो जो लिंक है, वो कैसे आपको दिखा रहा था, वो उसको कैसे पता गूगल को कि आप facebook.com ओपन करना चाहते हो, वो आपका प्रीवियस डेटा को चेक करता है, राइट, यानी कि प्रीवियस डे पे आपने या फिर लास्ट टाइम जैसे जो भी आपने साइट ओपन किया था उसको वो क्या करता है, कैश मेमोरी पे रखा होता है, और वो आइडेंटिफाई करता है कि मैं भी ऐप लिख रहे हो, यानी कि आप facebook.com पे जाना चाहते हो, वो इसलिए रेकमेंड कर देता है, आप इसमें जाना चाहते हो क्या, अगर यस तो वहाँ पे क्लिक कर सकते हो। ठीक उसी तरह से आप अगर कोई भी डेटा को रिसेंटली यहाँ पे यूज़ किए हो पावर क्वेरी एडिटर पे, तो वो क्या होता है, ये जो रिसेंट सोर्स नाम का टैब है, ये करता क्या करता है, आपका जो प्रीवियसली जो भी डेटा सोर्स को आप यूज़ किए होते हो वो यहाँ पे रख लेता है, ओके, कैश मेमोरी पे रखता है। तो आपको क्या होता है, आप इजिली डायरेक्टली बिना कनेक्ट किए डायरेक्टली डेटा को यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आप उसको लोड कर सकते हो, इसलिए रिसेंट सोर्स का ऑप्शन यहाँ पे होता है। ऑलराइट, देन एंटर डेटा, आपको अपने से अगर कुछ भी डेटा अगर क्रिएट करना चाहते हो, यहाँ पे एक ही टेबल हमने इनपुट किया है, अगर नया टेबल यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हो उस केस पे आप एंटर डेटा को यूज क्लिक करके आप डेटा को क्या कर सकते हो, एंटर कर सकते हो, अपने हिसाब से एक टेबल बना सकते हो, और उसको आप चाहो तो इन दोनों ये टेबल के साथ लिंक भी कर सकते हो। ओके, कहाँ पे करोगे वो लिंक, वो है हम लोग का जो डेटा मॉडलिंग पे, राइट। तो यहाँ पे ओनली एंटर डेटा की मदद से आप डेटा एंटर कर सकते हो, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हो, राइट। यहाँ पे एंटर डेटा पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पॉपअप खुलेगा ये वाला, राइट। तो यहाँ पे सिंपल आपको कॉलम का नेम रखना है, यहाँ पे अगर प्लस पे क्लिक करोगे तो और एक कॉलम बनेगा, फिर प्लस पे क्लिक करोगे तो और एक कॉलम बनेगा, यहाँ पे आपको डेटा डबल क्लिक करके यहाँ पे एंटर कर सकते हो, ओके, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यहाँ पे इसे रीनेम करना है कॉलम का, यहाँ पे डबल क्लिक करके रीनेम कर सकते हो, ऑलराइट। इसको अगर डिलीट करना है राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हो, इंसर्ट, पेस्ट, कॉपी, पेस्ट, कॉट, ये सारे यहाँ पे एडिटिंग वगैरह यहाँ पे डेटा का कर सकते हो, ओके। करने के बाद यहाँ पे आपको टेबल का नेम मिलेगा, यहाँ पे आप अपने हिसाब से उसका जो नेम है वो यहाँ पे डाल सकते हो, रख सकते हो, राइट। देन ओके पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पे जैसे एक नया यहाँ पे जैसे टेबल है, यहाँ पे और एक टेबल बन जाएगा, ऑलराइट। तो मैं अभी वो नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं सिंपल नो बटन पे क्लिक करके इसको रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक है, सॉरी कैंसिल में क्लिक करता हूँ, देन आर यू श्योर यू वांट टू कैंसिल, ओके यस। तो मैं पावर वे में क्यों चला गया, ओके, यहाँ पे पावर क्वेरी एडिटर पे मैं यहाँ पे रहूँगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से डेटा को एंटर कर सकते हो। देन डेटा सोर्स मैंने बताया था लास्ट टाइम, अगर डेटा का सोर्स चेंज हो गया तो उसको अगर रिकनेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके उस पर्टिकुलर पाथ पे जाके आप रिकनेक्ट कर सकते हो, ऑलराइट। ये सारे हमने पढ़ रखा है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, ठीक है। देन मैनेज पैरामीटर, पैरामीटर को हम लास्ट में कंप्लीट कवर करेंगे। देन रिफ्रेश प्रीव्यू, रिफ्रेश प्रीव्यू ऑलरेडी मैंने बता चुका था, अगर कोई भी पर्टिकुलर टेबल को रिफ्रेश करना चाहते हो, रिफ्रेश कब करते हो, जैसे कि ये जो डेटा है ऑर्डर्स नाम का, ये जहाँ से भी सोर्स से लेके आ रहे हो उसमें सपोज 9999 रिकॉर्ड है, ओके, यानी कि सपोज 10,000 रिकॉर्ड है, कल को अगर सोर्स लेवल पे जो डेटा सेट है उसमें अगर और 10 रिकॉर्ड ऐड हो जाता है, यानी कि 10,010 रिकॉर्ड हो रहा है, राइट। तो उस केस पे आपको, आप जब ये वाला पावर बी आई में जब ये डेटा को लेके आए थे उस टाइम पे क्या था, 1000 रिकॉर्ड सोर्स लेवल पे था, तो यहाँ पे भी आपको कितना रिकॉर्ड दिखाएगा, रिकॉर्ड मतलब कितना रो दिखाएगा, 1000 दिखाएगा, राइट। तो कल को अगर वहाँ पे और 100 रिकॉर्ड ऐड हो जाता है तो यहाँ पे भी आपको वो 100 रिकॉर्ड आना चाहिए, राइट, अपडेटेड डाटा यहाँ पे रहना चाहिए हमेशा। तो उस टाइम पे अगर आपको अपडेटेड डाटा यहाँ पे देखना है तो आप पावर क्वेरी एडिटर पे जा सकते हो या फिर पावर वे डेस्कटॉप पे ही, यहाँ वहाँ पे भी आपको ये रिफ्रेश प्रीव्यू का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पे रिफ्रेश में क्लिक करोगे तो सपोज यहाँ पे जैसे मैंने ऑर्डर्स टेबल लाया है, राइट, ऐसे और 10 टेबल रहता सपोज, तो अगर आप सिंपल रिफ्रेश यहाँ पे क्लिक करोगे या फिर यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे क्लिक करोगे मतलब रिफ्रेश ऑल ही है, ओके, और ड्रॉप डाउन पे जाके क्लिक करोगे ये भी रिफ्रेश ऑल है इसका काम, और यहाँ पे आप डायरेक्टली क्लिक करते हो तो उसका काम सेम है। वो क्या करेंगे, यहाँ पे आपने जितना टेबल लोड किए हैं वो सारे टेबल को एक साथ रिफ्रेश करेंगे, ओके। और सपोज ऑब्वियसली अगर मुझे सारे टेबल को रिफ्रेश अगर नहीं करना है, मुझे ओनली ये पर्टिकुलर टेबल को रिफ्रेश करना है, तो सिंपल आपको पहले ये टेबल को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे सपोज 5 टेबल होता है उनमें से मैं ये टेबल को रिफ्रेश करना चाहता हूँ ओनली, ओके। तो यहाँ क्योंकि मेरा ये इसी मुझे पता है, इस मेरा मैनेजर जो है वो मुझे बोला है कि ऑर्डर्स टेबल पे ओनली नया डाटा इंसर्ट हुआ है सोर्स लेवल पे, बाकी टेबल पे नहीं हुआ है, तो मैं बाकी टेबल को रिफ्रेश क्यों करूँगा, अगर बाकी टेबल को रिफ्रेश करूँगा तो वो क्या होगा, टाइम टेकिंग होगा, तो ओनली ये टेबल को अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो मेरे लिए जल्दी होगा, राइट।
क्योंकि मुझे पता है ये टेबल पे ही नया डाटा है, तो इसी टेबल को रिफ्रेश करूँगा। तो उस सिचुएशंस पे मैं ओनली जिस टेबल को रिफ्रेश करना चाहता हूँ उस टेबल को सिलेक्ट करूँगा, देन डायरेक्टली यहाँ पे रिफ्रेश प्रीव्यू के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके रिफ्रेश प्रीव्यू में क्लिक करूँगा। तो रिफ्रेश प्रीव्यू मतलब ओनली वो टेबल को मैं रिफ्रेश करना चाहता हूँ जिस टेबल मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया हूँ इनमें से, ठीक है। तो उस केस पे रिफ्रेश प्रीव्यू मतलब वो क्या करेगा, पावर क्वेरी एडिटर ओनली ये टेबल को रिफ्रेश करेगा, बाकी टेबल को रिफ्रेश नहीं करेगा। तो हम लोग का जो रिफ्रेश टाइम है वो क्या होगा, कम हो जाएगा और ये जल्दी से रिफ्रेश हो पाएगा। एक टेबल को रिफ्रेश करोगे कम टाइम लगेगा, पांच टेबल को रिफ्रेश करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, राइट। तो अननेसेसरीली आप नया टेबल को अगर रिफ्रेश करोगे, रिफ्रेश करने का मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले समझो, रिफ्रेश का मतलब होता है ये क्या करेगा, जैसे ही यहाँ पे आप रिफ्रेश बटन पे क्लिक करते हो वो क्या करेगा, आपका जो पावर क्वेरी एडिटर है वो क्या करेगा, अपना जो सोर्स है, आपका सोर्स कहाँ पे है, यहाँ पे डेटा सोर्स सेटिंग पे देख रहे हो ये वाला पाथ है, राइट। इस पाथ पे जाएगा और उस पाथ पे जो भी ये फ्लिपकार्ट डेटा पे जितना भी डेटा है उस एंटायर डेटा को सोर्स लेवल पे जो भी डेटा रहेगा वो सोर्स लेवल समझ रहे हो, राइट। सोर्स लेवल मतलब जहाँ से हम डेटा को लेके आ रहे हैं वो एक्सेल से, जहाँ पे जो हम लोग का पावर बी आई क्लास फोल्डर में है, राइट। तो वो फोल्डर पे जाएगा, उसमें से जितना डेटा होगा वो उसको फिर से एक एक करके उसको यहाँ पे रीराइट करेगा, ठीक है। तो रीराइट करेगा तभी तो पुराना डेटा के साथ नया डेटा जो भी है उसमें अपडेटेड डेटा जो है भी है वहाँ पे यहाँ पे दिख जाएगा, राइट। तो अगर आप ये क्या होता है टाइम, सपोज मेरा सोर्स लेवल, सोर्स लेवल मतलब यहाँ पे जो मेरा कहाँ गया पावर बी क्लास है, ये मेरा सोर्स फाइल है, राइट। यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ पावर हम लोग का फ्लिपकार्ट डेटा, ये सोर्स फाइल है, राइट। तो ये सोर्स फाइल पे अगर मेरे पास अभी 999 रिकॉर्ड है, राइट, सपोज यहाँ पे 10 मिलियन रिकॉर्ड्स होता, तो आप अगर यहाँ पे जाके पावर क्वेरी एडिटर पे अगर आप रिफ्रेश करते हो तो सोच लो कि पूरा 10 मिलियन रिकॉर्ड फिर से यहाँ पे रीराइट होगा, ओके। ये एग्जिस्टिंग डेटा तो आपको पता नहीं चलेगा, राइट, आपको सिंपल दिख रहा है कि आप सोर्स लेवल पे जितना डेटा है यहाँ पे उतना ही डेटा दिखेगा, बट पावर क्वेरी क्या कर रहा है, वो एंटायर रिकॉर्ड को फिर से यहाँ पे लेके आ रहा है, राइट। एग्जिस्टिंग डेटा हो समझ रहे हो ना, यहाँ पे एग्जिस्टिंग डेटा ये जैसे के वैसे रहेगा, बट यहाँ पे सपोज मेरा यहाँ पे जैसे 10,000 रिकॉर्ड है, तो 10,000 रिकॉर्ड नया डेटा को अपडेटेड डेटा को यहाँ पे ले आएगा, सिंपल एग्जिस्टिंग डेटा के साथ वो अपडेटेड डेटा को यहाँ पे लेके आ जाएगा फिर से, ऑलराइट। तो वो टाइम टेकिंग होता है, इसलिए आपको जो जिस डेटा को रिफ्रेश करना है उस डेटा को डेटा सेट को रिफ्रेश करो, बाकी सबको मत करो, ठीक है। तो ये हो गया रिफ्रेश का ऑप्शंस, ठीक है। रिफ्रेश प्रीव्यू, रिफ्रेश ऑल मतलब यहाँ पे जितना डेटा सेट होगा सारे को रिफ्रेश करेगा एक साथ। रिफ्रेश प्रीव्यू मतलब एक डेटा सेट जिसको आप रिफ्रेश करना चाहते हो उसके लिए आप रिफ्रेश प्रीव्यू का ऑप्शन से क्लिक करके आप उस पर्टिकुलर डेटा सेट को रिफ्रेश कर सकते हो, ठीक है। Just one question. If I'm going to make changes, I mean anything in this data, in Power Query Editor, will it be changed to source file as well? बिल्कुल भी नहीं आप, हाँ मैं वो उस दिन बताना चाहता था नहीं बता पाया उसका, देखो ये मैं बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो पावर बी आई डेस्कटॉप मेरा डेटा सेट कौन सा है, ये वाला डेटा सेट कहाँ गया, देखो पावर बी आई क्लास फोल्डर पे मेरा एक यहाँ पे एक डेटा सेट है फ्लिपकार्ट डेटा, राइट। तो फ्लिपकार्ट डेटा पे सपोज मेरे पास 1,000 रिकॉर्ड है, ओके। तो 1,000 रिकॉर्ड है, तो अभी मैंने जब पावर बी आई डेस्कटॉप पे लेके आया और उसके बाद पावर क्वेरी एडिटर में आया, यानी कि पावर बी आई डेस्कटॉप लेवल पे मैं जैसे ही ये डेटा सेट को मैं लेके आ जाता हूँ, ओके, इंपोर्ट करता हूँ, जैसे ही मैं पावर बी आई डेस्कटॉप पे यहाँ पे गेट डेटा में जाके डेटा को इम्पोर्ट करता हूँ, तो ये एंटायर जो डेटा सेट है, ओके, ये जो एंटायर डेटा सेट है इसका एक कॉपी, ओके, इसका एक कॉपी वो पावर बी आई डेस्कटॉप एनवायरमेंट में आ जाता है, यानी कि पावर बी आई एनवायरमेंट में आ जाता है, समझ लो उसका एक कॉपी। तो कॉपी मतलब क्या है, ये डेटा सेट तो जैसे के वैसे रहेगा, राइट। तो इसका एक कॉपी बन के आके हमारा जो पावर बी आई डेस्कटॉप का जो कैश मेमोरी है, ओके, उस पावर बी आई डेस्कटॉप में जो कैश मेमोरी होता है उसके अंदर आ जाएगा, ओके, पावर बी आई एनवायरनमेंट में। तो अभी क्या करोगे, अभी जब तो जैसे ही यहाँ पे आओगे इसके साथ, यानी कि यहाँ पे जो पावर बी आई डेस्कटॉप में जो डेटा आपने इंपोर्ट किया होगा उसके साथ बस एक यहाँ पे एक लिंक रहेगा कि ये जो सोर्स है और इसका जो कॉपी है वो पावर बी आई डेस्कटॉप लेवल पे हमने लेके आ चुके हैं, ओके, यहाँ पे पावर बी आई डेस्कटॉप पे, ठीक है। तो अभी पावर बी आई डेस्कटॉप पे उस कॉपी पे आप जो भी छेड़खानी करोगे कहाँ पे करोगे, वो पावर क्वेरी एडिटर पे करोगे, राइट। यानी कि पावर क्वेरी एडिटर में उस डेटा सेट में आप जो भी चेंजेस करोगे वो पावर बी आई डेस्कटॉप लेवल पे ही रहेगा, आपका जो सोर्स लेवल है, सोर्स लेवल पे जो डेटा है यहाँ पे, ओके, ये डेटा पे उसका कुछ भी असर नहीं होगा, समझ रहे हो।
यानी कि आप पावर पे डेस्कटॉप लेवल पे डेटा को लाने के बाद इसमें जो भी चीज़ें कर रहे हो, जैसे यहाँ पे ए था राइट, तो मैंने इसको रीनेम कर दिया आईडी पे राइट। देन कल को मैं इसका जो डेटा टाइप है, सपोज ये डेट टाइप का डेटा है, मैं इसको टेक्स्ट टाइप का डेटा टाइप कर देता हूँ ओके, या फिर ये पर्टिकुलर टैब ये कॉलम को मैं डिलीट कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ ओके। तो इसमें या फिर ये यहाँ पे जैसे उस दिन रिप्लेस कर रहे थे राइट, फर्स्ट क्लास की जगह पे, या फिर कुछ भी जो भी हम रिप्लेस कर देते उस दिन राइट, कौन सा था वो, सपोज मैं चेयर को रिप्लेस कर देता हूँ, चेयर्स को मैं रिप्लेस कर दूंगा चेयर के साथ, आर्ट को आर्ट के साथ रिप्लेस करूंगा। तो यहाँ पे जो भी चेंजेस करूंगा सोर्स मतलब डेटा को पावर बीआई में लाने के बाद, वो चीज़ें आपको आपका जो सोर्स लेवल पे जो डेटा है उसमें कुछ भी उसका असर नहीं होगा। ठीक है, तो सोर्स लेवल पे उसका उसका कोई भी चेंजेस नहीं होगा। बट हाँ, अगर आप सोर्स लेवल One more question. If I am going to add data in source level file, then what is going हाँ to वो happen? बोल रहा हूँ, वो बोल रहा हूँ कि अगर डेटा को लाने के बाद पावर बी आई डेस्कटॉप पे अगर आप कुछ चेंजेस करोगे ये डेटा सेट के ऊपर, तो वो पावर बी आई का मतलब वो ये जो सोर्स लेवल पे जो डेटा था उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। बट अगर आप सोर्स लेवल पे जाके उसमें ये डेटा सेट पे कुछ भी चेंजेस कर रहे हो, सपोज यहाँ पे एक कॉलम होता जो हम लोग का कैटेगरी नाम का एक कॉलम है राइट, तो कैटेगरी को मैं रिमूव कर देता हूँ ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कैटेगरी नाम का जो कॉलम है वो उस कॉलम को यहाँ मैं सपोज इसको ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे सपोज मैं सोर्स लेवल पे आ जाता है, ये मेरा सोर्स है राइट, हाँ मेरे कहने का मतलब ये कि अगर आप सोर्स लेवल पे कुछ भी चेंजेस करोगे, सपोज उसमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड आप डिलीट कर दोगे, कुड नॉट ओपन प्रोटेक्टेड व्यू, क्यों दिख रहा है ये मेरे को, द फाइल कुड नॉट ओपन इन द प्रोटेक्टेड व्यू, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। ठीक है कोई नहीं, हम देख लेंगे, बट मैं बता दे रहा हूँ आपको कि ये क्यों ओपन नहीं हो रहा, देखते हैं। तो अगर पावर बीआई एडिटर में खुला हाँ मुझे भी वही एक्सटेंशन। लग रहा है पावर क्वेरी एडिटर में, लेकिन खुलना चाहिए, पावर क्वेरी एडिटर में खुलने से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बट तभी भी मैं बता दे रहा हूँ। तो अगर आप पावर ये सोर्स लेवल पे अगर मेरे पास 1000 रिकॉर्ड है, कल को इसमें अगर 1000 से आप 500 रिकॉर्ड डिलीट करते रहो ओके, तो आप जब इसको डिलीट कर दिए ठीक है, तो यहाँ पे पावर पे डेस्कटॉप लेवल पे जो डेटा है यहाँ पे फर्स्ट अप 1000 डेटा है। किसी को प्रॉब्लम हो रहा है क्या, क्यों एडमिट ओके सर ज्वाइन कर, नेटवर्क इशू है। ओके कोई नहीं। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे अगर डेटा लेवल पे, सॉरी क्या बोल रहा था भूल गया, हाँ यहाँ पे पावर भी सॉरी, हाँ मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे अगर सोर्स लेवल पे सपोज 1000 रिकॉर्ड है राइट, तो 1000 रिकॉर्ड में से आप सोर्स लेवल पे 500 रिकॉर्ड डिलीट कर दिए ओके, तो ओनली कितना रिकॉर्ड रहा यहाँ पे, 500 रिकॉर्ड रहेगा। तो आप पावर बी आई डेस्कटॉप लेवल पे यहाँ पे अगर पावर क्वेरी एडिटर में आएंगे और यहाँ पे रिफ्रेश प्रीव्यू की जगह पे रिफ्रेश ऑल करते हैं, या फिर रिफ्रेश प्रीव्यू बटन पे आप क्लिक करते हैं, तो आपका एंटायर डेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। तो यहाँ पे सपोज आगे से 1000 रिकॉर्ड था, तो उस टाइम पे अभी आपको 500 रिकॉर्ड दिखाएगा, क्यों, क्योंकि आपने सोर्स लेवल पे डेटा को चेंज किया है। तो सिंपल वर्ड पे अगर सोर्स लेवल पे आपने डेटा को कुछ भी चेंज करेंगे तो वो पावर बीआई पे जो डेटा सेट है उसके ऊपर इफेक्ट करेगा। बट अगर पावर बीआई में आप ये डेटा सोर्स को लाने के बाद, ये डेटा सोर्स को पावर बीआई डेस्कटॉप लेवल पे लाने के बाद उस डेटा सेट में पावर क्वेरी एडिटर पे जाके या फिर पावर बीआई डेस्कटॉप लेवल पे कुछ भी चेंज करोगे, तो उसका असर सोर्स लेवल पे नहीं होगा। समझ रहे हो, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमेशा इंटरव्यू पे कुछ क्वेश्चन पे पूछा जाएगा। अगर सोर्स लेवल पे कुछ भी चेंज करोगे तो वो पावर बी आई डेस्कटॉप लेवल पे जो डेटा है उसमें आपको इफेक्ट करेगा। बट अगर पावर बी आई डेस्कटॉप लेवल पे ये डेटा को लाने के बाद पावर क्वेरी एडिटर के थ्रू से इस डेटा सेट में पावर क्वेरी में अगर कुछ भी चेंज करोगे तो वो सोर्स लेवल पे उसका कुछ भी असर नहीं होगा। ठीक है, तो इन फ्यूचर सपोज बोलो, I was saying, okay. ठीक है, तो मैं ये बोला था अगर अगर यहाँ पे देखो फ्लिपकार्ट डेटा है राइट, तो फ्लिपकार्ट डेटा ओपन नहीं हो रहा, उसमें सपोज यहाँ पे कैटेगरीज होता ओके, एक कैटेगरी नाम का कॉलम है राइट, तो उस डेटा सेट को यहाँ पे जब आप लेके आ रहे हो, सपोज यहाँ पे वहाँ पे कैटेगरीज होता है, तो आप यहाँ पे रीनेम कर दिए और कर दे रहे हो सपोज इसको कैटेगोरी में ओके, तो
इन फ्यूचर जब नया डेटा आएगा उस टाइम पे भी अगर कैटेगरीज होता है तो ऑटोमेटिकली पावर क्वेरी एडिटर उसको कैटेगरी के हिसाब से ट्रीट करेगा, समझ रहे हो? सपोज यानी कि सपोज यहाँ पे हाँ, आप जब डेटा लेके आ रहे हो, आप डेटा सेट पे कुछ भी चेंज कर रहे हो, ओके, यहाँ पे सपोज आप डेटा सेट पे यहाँ पे एक कैटेगरी नाम का कॉलम है, उस कैटेगरी पे सपोज कुछ भी एक एक मोबाइल नाम कैटेगरी, यहाँ पे क्या डेटा है दिखा देता हूँ। हाँ यहाँ पे सपोज कैटेगरी पे फर्नीचर है, राइट, यहाँ पे फर्नीचर है। तो अगर आप कल को ये डेटा यहाँ पे फर्नीचर है तो आपने क्या किया, यहाँ पे पावर क्वेरी एडिटर में जाके फर्नीचर को फर्नीचर्स कर दिए, ठीक है? तो कल जब नया डेटा आएगा सोर्स लेवल पे, यहाँ पे सोर्स है, सोर्स लेवल पे आप यहाँ पे आप फिर से फर्नीचर डालोगे, तो इसको जब आप यहाँ पे पावर क्वेरी एडिटर पे रिफ्रेश करोगे या फिर पावर वे डेस्कटॉप पे रिफ्रेश करोगे तो वहाँ पे उस केस पे फर्नीचर की जगह पे आपको फर्नीचर्स ही दिखेगा, क्योंकि आपने पावर क्वेरी एडिटर में पावर मतलब पावर वीए में या फिर पावर क्वेरी एडिटर में आप फर्नीचर को फर्नीचर्स में रिप्लेस किया हुआ है, ठीक है? तो इतना यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड मत करो, ये सिंपल है बहुत, ठीक है? आप अगर देखो यहाँ पे हम पावर बी डेस्कटॉप लेवल में क्या कर रहे हैं, हम लोग का कोई भी एक सोर्स है, उस सोर्स को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे पावर बी डेस्कटॉप में कनेक्ट करके यहाँ पे गेट डेटा के थ्रू से उस डेटा को यहाँ पे लेके आ रहे हैं, राइट? तो इसका मतलब लेके आ रहे हैं मतलब आपका जो डेटा है सोर्स लेवल पे जैसा है वैसे रहेगा। आप इसको जैसे ही कनेक्ट करते हो पावर बी डेस्कटॉप के थ्रू से गेट डेटा की मदद से, आप जब यहाँ पे पावर बी डेस्कटॉप एनवायरमेंट लेके आ रहे हो उस टाइम पे उसका एक कॉपी बन के आपका पावर वे डेस्कटॉप लेवल पे आ जा रहा है, ओके? और उस कॉपी के साथ ये जो आपका सोर्स लेवल पे जो डेटा है वो कनेक्टेड है, कनेक्टेड है मतलब एक लिंक क्रिएट है, ठीक है? उसका जो पाथ है, इसका जो पाथ है ये वाला, इसका जो पाथ कौन सा है ये वाला, ये पाथ के थ्रू से वो बस इस पर्टिकुलर डेटा सेट को क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है, ओके? लिंक करने के बाद यहाँ पे आप यहाँ पे पावर बी डेस्कटॉप पे जो अभी है आपके पास वो सोर्स का एक कॉपी है। तो यहाँ पे अगर आप सोर्स लेवल मतलब ये कॉपी लेवल पे, ये पावर बी डेस्कटॉप लेवल पे उस कॉपी के ऊपर आप कुछ भी चेंज करोगे तो वो सोर्स लेवल पे कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा। बट अगर आप ये सोर्स लेवल पे कुछ भी चेंज करोगे और पावर बी डेस्कटॉप लेवल पे आप जाके रिफ्रेश करोगे तो वो सारे चेंजेस आपने जो भी पावर बी ये सोर्स लेवल पे जो भी चेंजेस किया होगा वो सारे उसका इफेक्ट वो कहाँ पे दिखाएगा, पावर बी डेस्कटॉप लेवल पे जो डेटा आपने इंपोर्ट किया था उस डेटा के ऊपर इफेक्ट करेगा। समझ में आया ये? यस ओके okay. अंकिता आपको ये समझ में आया कि नहीं? ये मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चन में हमेशा पूछेंगे। आया तो हम कहाँ थे? हाँ ठीक है, यहाँ तक आ गए। तो यहाँ पे हमने होम टैब के यहाँ पे जितना था यहाँ पे कंप्लीट किए यहाँ तक, ऑलराइट? देन नेक्स्ट है यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्म, ओके। हाँ और एक चीज़ है यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम हमारे पास ये पावर क्वेरी एडिटर पे दो ऑप्शन है, एक है होम, सॉरी एक है होम, एक है ट्रांसफॉर्म, एक है एड एड कॉलम्स, राइट? तो ये तीनों चीज़ें हैं। तो ये दो, इसको होम को छोड़ दो अभी, ये दोनों को समझो, ट्रांसफॉर्म एंड एड कॉलम, ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ट्रांसफॉर्म एंड एड कॉलम। देखो हमेशा से ट्रांसफॉर्म मतलब मैं डेटा को लोड किया तो ये मेरा मेरे पास जैसे मैंने लोड किया था वो डेटा जैसे था वैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है, राइट? मैं सपोज यहाँ पे गेट डेटा पे पावर बी डेस्कटॉप पे गया और गेट डेटा पे जाके इंपोर्ट किया और उसके बाद ट्रांसफॉर्म डेटा के जाके पावर क्वेरी एडिटर में मैंने आ गया, ओके? तो यहाँ पे आने के बाद मेरा डेटा सेट जैसे था वैसे है। तो अगर मुझे उस पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग डेटा के ऊपर कुछ भी चेंज करना है, एग्जिस्टिंग डेटा सेट के ऊपर कुछ भी चेंज करना है तो उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म, ओके? एग्जिस्टिंग डेटा, समझ रहे हो? मतलब जो डेटा है उसी डेटा के ऊपर ही कुछ अगर छेड़खानी कर रहे हो तो वो कहाँ पे मिलेगा आपको, ट्रांसफॉर्म डेटा के अंदर मिलेगा, यहाँ पे सारे ऑप्शंस है, ओके? एग्जिस्टिंग डेटा के मतलब देखो, इसका मतलब है कि यहाँ पे जैसे कि मेरे पास 21 रिकॉर्ड है, कल को मैं ये रिकॉर्ड को जाके मैं ये वाला जो है इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ये एग्जिस्टिंग डेटा सेट है, एग्जिस्टिंग डेटा सेट के ऊपर मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, राइट? इसको राइट क्लिक किया, सपोज रिमूव किया, यानी कि मेरा एग्जिस्टिंग डेटा के ऊपर वो इफेक्ट किया, राइट? कल को मैं जाके यहाँ पे कैटेगरी के सॉरी यहाँ पे कहाँ गया, हाँ कैटेगरी नाम का जो कॉलम है यहाँ पे मैं जाके ये कैटेगरी नाम के ऊपर यहाँ पे मैं रिप्लेस कर देता हूँ, ओके? यानी कि ये एग्जिस्टिंग डेटा के ऊपर मैं अभी जो वैल्यू है वो रिप्लेस कर रहा हूँ, ओके? एग्जिस्टिंग डेटा के ऊपर जो भी चेंजेस करूँगा उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म, ओके? तो यहाँ पे सपोज मैं कर रहा हूँ फर्नीचर के जगह पे, फर्नीचर के जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कंट्रोल सी करके यहाँ पे फर्नीचर्स कर दे रहा हूँ, ठीक है? यानी कि एग्जिस्टिंग डेटा के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ,
राइट। एग्जिस्टिंग डेटा मतलब जो डेटा हमारे पास है उसी डेटा के ऊपर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ओके उस डेटा सेट के ऊपर ही चेंज कर रहे हैं। बट यहाँ पे देखो एड कॉलम, एड कॉलम का मतलब है हम लोग का जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसमें हम चेंज हम लोग को चेंज करने का जरूरत नहीं है, उसके साथ कुछ नया ऐड कर रहे हो तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको ऐड कॉलम पे मिलता है। समझ रहे हो एक ट्रांसफॉर्म एंड ऐड कॉलम का मतलब समझ में आ रहा है? ट्रांसफॉर्म मतलब एग्जिस्टिंग डेटा के ऊपर आप कुछ चेंज करना चाहते हो तो उसको बोला जाता है ट्रांसफॉर्म, और उसका सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, एग्जिस्टिंग डेटा के ऊपर ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, कुछ चेंज कर रहे हो तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको ट्रांसफॉर्म के अंदर मिलेगा। और अगर ऐड कॉलम मतलब आइदर वो एग्जिस्टिंग डेटा के ऊपर आप कुछ नया कॉलम ऐड करना चाहते हो सेपरेट से, यहाँ पे जैसे मेरे पास अभी 20 कॉलम्स हैं उसके ऊपर मैं और एक कॉलम्स ऐड करना चाहता हूँ तो वो अलग से एक कॉलम ऐड हो रहा है उसमें, ठीक है, तो उस केस पे आइदर वो एग्जिस्टिंग डेटा के ऊपर हो या फिर जो ट्रांसफॉर्म करने के बाद उस डेटा के ऊपर आप कुछ नया चीज़ें ऐड कर रहे हो तो वो ऐड कॉलम के अंदर आएगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्म मतलब समझ रहे हो, ये मेरा मेन मोटिव है समझाने का कि ट्रांसफॉर्म मतलब एग्जिस्टिंग डेटा के ऊपर कुछ चेंजेस कर रहे हो, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। और ऐड कॉलम मतलब आइदर एग्जिस्टिंग डेटा या फिर यहाँ पे जो भी आप ट्रांसफॉर्मेशन का काम किए होंगे उस ट्रांसफॉर्म डेटा पे नया कुछ ऐड करना चाहते हो तो वो ऐड कॉलम के थ्रू से कर सकते हो। ठीक है, ट्रांसफॉर्म का मतलब आपको ये समझा रहा था कि ट्रांसफॉर्म मतलब एग्जिस्टिंग डेटा के ऊपर आप चेंज कर रहे हो। ठीक है, तो ये बस एक टर्म्स था ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है समझाने के लिए। ऑलराइट, तो अभी हम देखते हैं हमने होम टैब के ऊपर इतना दूर कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, रिफ्रेश प्रीव्यू, देन यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में कुछ भी हम लोग को यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये हमको जानने की जरूरत नहीं। प्रॉपर्टीज़ एडवांस एडिटर, हाँ एडवांस एडिटर ये जानते हैं। देखो एडवांस एडिटर मतलब यहाँ पे आप जो भी चेंजेस कर रहे हो राइट, ये पावर क्वेरी एडिटर में है हम लोग हैं, तो पावर क्वेरी एडिटर में आप सिंपल क्या कर रहे हो, सिंपल मुझे ऑर्डर रेट नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पे रिमूव बटन में क्लिक कर दिया तो सिंपल डायरेक्टली ये वाला मेरा जो कॉलम था वो यहाँ पे रिमूव हो गया, राइट देख रहे हो। फिर यहाँ पे अगर सपोज ये वाला मुझे नहीं चाहिए, इसको रीनेम करना है, कस्टमर आईडी को मुझे सपोज यहाँ पे कुछ भी QWE दे देता हूँ, ठीक है, इसको सिंपल मैंने क्या है रीनेम कर दिया, राइट तो यहाँ पे एक स्टेप ऐड हो गया, तो मैं कितना इजीली सब कुछ कर पा रहा हूँ, राइट मुझे ये कॉलम नहीं चाहिए मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ, मुझे ये कॉलम को इधर चाहिए, ये कॉलम को इधर चाहिए, मैं जो भी चेंजेस करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे आराम से कर पा रहा हूँ, राइट कितना इजीली है, राइट तो अगर आपको इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे करना होता तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। ओके, प्रोग्रामिंग पे अगर इसको इधर लाना है, इसको इधर लाना है, इसको ये पर्टिकुलर कॉलम को रीनेम करना है, इसको रिप्लेस करना है, ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़र फ्रेंडली के वजह से मतलब यूज़र फ्रेंडली पावर बी आई को यूज़र फ्रेंडली करने के लिए यहाँ पे जो भी पावर बी आई का जो डेवलपर होते हैं मतलब पावर बी आई को जिसने बनाया है वो आपको कितना आसान कर दिया है। देखो ये आप अपने हिसाब से इजीली सब कुछ चेंजेस कर पा रहे हो, यहाँ पे रीनेम करना है डायरेक्टली रीनेम करो, डबल क्लिक करके रीनेम हो जाएगा। डेटा टाइप चेंज करना है यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे उसका जो डेटा टाइप है वो इजीली चेंज हो जा रहा है, राइट सपोज ये कॉलम को दोनों कॉलम को मर्ज करना है, दोनों कॉलम को इजीली मर्ज कर दोगे, कैसे करेंगे देखेंगे। ठीक है, तो वो सारे बहुत आसान तरीके से कर सकते हो क्योंकि ये यूज़र फ्रेंडली है, पावर बी डेस्कटॉप जो है या फिर पावर क्वेरी एडिटर जो है वो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। लोग इजीली अगर किसको अगर प्रोग्रामिंग नहीं पता तो भी वो ये सारी चीज़ें ईजिली कर सकता है। ओके, बट यहाँ पे जितने भी आप इवेंट कर रहे हो ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए या फिर ऐड करने के लिए कुछ भी कॉलम्स, ओके या फिर कुछ भी चेंजेस कर रहे हो इस ये पावर बी आई पावर क्वेरी एडिटर लेवल पे, ओके तो या फिर पावर बी आई डेस्कटॉप लेवल पे, या कि आप डायरेक्टली बोल सकते हो पावर बी आई में आप जो भी चेंजेस करोगे उसके पीछे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज होता है। ठीक है, और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बोला जाता है एम लैंग्वेज, कौन सा एम लैंग्वेज। ओके, तो वो एम लैंग्वेज आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, जैसे ही यहाँ पे आप कुछ भी चेंज करते हो, सपोज मैं आप ये सिप डेट है इसको मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ पे रिमूव बटन में क्लिक करके मैं इजिली रिमूव कर दे रहा हूँ, बट इसके पीछे एक प्रोग्रामिंग चल रहा है। ठीक है, तो वो प्रोग्रामिंग आप कहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे ऊपर पे आप देख रहे हो यहाँ पे एक लैंग्वेज है, इसको बोलते हैं एम लैंग्वेज। यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, राइट, ये ड्रॉप डाउन पे जैसे क्लिक करोगे देखो मैंने जैसे रिमूव किया उसका मतलब है इसमें एक पीछे मतलब इसका बैकएंड पे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमेशा चलता रहता है। आप यहाँ पे जो भी एक्टिविटी करोगे वो एम लैंग्वेज के थ्रू से वो परफॉर्म होता है। ओके, और वो जो एम लैंग्वेज है उसको हमको जानने का ज़रूरत नहीं है अभी के लिए, बट इन फ्यूचर अगर ज़रूरत पड़े तो आप जान सकते हो। अभी मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ मतलब अभी मैं फ्रेंकली बोल सकता हूँ मुझे भी एम लैंग्वेज इतना अच्छे से नहीं पता और मैं भी उसको यूज़ में कभी भी नहीं लाया, बट कभी कभी ज़रूरत पड़ता है तो थोड़ा बहुत अगर ज़रूरत पड़े तो मैं आराम से कोई भी
मतलब गूगल से हो या फिर यूट्यूब से, आप थोड़ा बहुत एनालिसिस करके देख सकते हो, बट उसका रिक्वायरमेंट बहुत ही कम आता है, तो उसके लिए डरने का जरूरत नहीं है। ओके, अगर आप ना भी जानते हो तो बस समझ सकते हो तो भी काफ़ी है। तो सिंपल है, देखो मैंने क्या किया, एक कॉलम रिमूव किया अभी रिसेंटली, राइट। तो उसके पीछे एक एम लैंग्वेज चला हुआ है, और वो क्या है, देखो यहाँ पे टेबल डॉट रिमूव कॉलम। ओके, ये क्या है, एक फंक्शंस है, एम फंक्शंस, इसको बोलते हैं एम फंक्शन। ओके, यहाँ पे टेबल डॉट रिमूव कॉलम्स, रिमूव कॉलम्स मतलब क्या है, मैं एक कॉलम को रिमूव कर रहा हूँ, तो रिमूव कॉलम्स एक फंक्शंस है, एम फंक्शंस है। ओके, तो ये एम फंक्शंस के थ्रू से ये क्या दिखा रहा है, देखो ब्रैकेट के अंदर रिकॉर्ड कॉलम और शिफ्ट डेट, यानी कि ये रिकॉर्ड कॉलम्स के अंदर जो शिफ्ट डेट नाम का जो कॉलम था वो मैंने क्या किया, रिमूव कर दिया अपने एग्जिस्टिंग टेबल से। समझ रहे हो, यानी कि आप जो भी एक्टिविटीज़ यहाँ पे कर रहे हो, सपोज इसमें कल मैं यहाँ पे जाके रीनेम कर देता हूँ, ठीक है, इनमें जैसे मैंने यहाँ पे रीनेम किया हुआ है, राइट। तो जो भी यहाँ कहाँ गया, यहाँ पे रीनेम कॉलम, यहाँ पे देखो मैंने रीनेम किया था, तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूंगा उसके पीछे जो एम क्वेरी चला हुआ है वो यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखो वहाँ पे रिमूव कॉलम था, यहाँ पे रीनेम कॉलम्स है। तो रीनेम कॉलम्स क्या है, एक एम फंक्शंस है। ओके, यहाँ पे आप जैसे पॉइंटर रखोगे देख पा रहे हो टेबल डॉट रीनेम्स, ये क्या आर्ग्यूमेंट लेता है, टेबल एज द टेबल, रीनेम एज द लिस्ट, मिसफिल्ड एज द नल, टेबल नल, राइट। तो ये क्या है, एम लैंग्वेज है। ओके, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली एम लैंग्वेज है, ये बस आपको समझ में आना, समझने की जरूरत नहीं है, बट अपने नॉलेज के हिसाब से आप देख सकते हो उसको। ओके, तो ये यहाँ पे क्या किया आपने, रीनेम कॉलम किसको, कस्टमर आईडी को आपने रीनेम किया, किस नाम से, QWE, ये वाला आगे से कस्टमर आईडी था उसको आपने रीनेम कर दिया, जो कस्टमर आईडी नाम का कॉलम था उसको आपने रीनेम किया, उस कॉलम का नेम को रीनेम किया, किस नाम पे, QWE के नाम से, ठीक है। तो आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशंस के टाइम पे जितना भी चीज़ें करोगे उसके पीछे एक लैंग्वेज यूज होता है, और उस लैंग्वेज को बोला जाता है एम लैंग्वेज, एम फॉर मदर, राइट। तो एम एम लैंग्वेज, ओके, समझ रहे हो, राइट। एम फॉर मदर नहीं है, मतलब एम जस्ट लैंग्वेज है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। एम एक लैंग्वेज है, जैसे हम लोग का सी होता है, C++, राइट, पाइथन, ये लैंग्वेज है, एक राइट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट। ठीक उसी हिसाब से एम भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि पावर क्वेरी, जो कि पावर बीआई में यूज होता है। आप जो भी ट्रांसफॉर्मेशन का काम करोगे पावर क्वेरी एडिटर पे या फिर पावर बीआई डेस्कटॉप पे, जैसे ड्रैग करके ड्रॉप कर दे रहे हो, राइट, कोई भी फील्ड को ऐसे ड्रैग करते हो उसके बाद ड्रॉप कर दे रहे हो, तो आपको लग रहा है कि सब कुछ आसान है, सब कुछ ईजिली हो पा रहा है, बट उसके पीछे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चलता है, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बोला जाता है एम लैंग्वेज। ओके, ठीक है, तो ये मैं रिमूव करता हूँ सारी चीज़ें। अच्छा, हाँ, और एक चीज़ मैं बताना भूल गया यहाँ पे, ठीक है बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो हम लोग जो भी चेंजेस किए हैं यहाँ पे, जैसे मैंने सिप मोड को सिप मोड्स कर दिया, ठीक है, देन एंटर, देन यहाँ पे एक नया स्टेप ऐड हो गया, राइट, इसको मैंने डिलीट कर दिया, सपोज इसको मैंने रिमूव कर दिया। ओके, फिर एक नया स्टेप ऐड हो गया, इसको सेगमेंट को मैं, इसका जो डेटा टाइप है इसको मैंने चेंज कर दिया, सपोज होल नंबर से टेक्स्ट में, ये क्या था, टेक्स्ट था, इसको चेंज तो नहीं कर सकते, ये वाला टेक्स्ट है, इस सॉरी एक टेक्स्ट टाइप का डेटा होता कहीं पे। ओके, सपोज ये वाला एक कॉलम है, राइट, क्वांटिटी, तो इसको मैं सपोज इसका जो डेटा टाइप है ये क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, बट मैं एग्जांपल के तौर पे इसको चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ होल, सॉरी होल नंबर तो है, टेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है, टेक्स्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक नया स्टेप ऐड हो जाएगा, ठीक है, रिप्लेस करंट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक नया स्टेप ऐड हो जाएगा, चेंज टाइप और ये टेक्स्ट हो गया, राइट। तो ये जो भी चीज़ें किया वो उसके पीछे कौन सा लैंग्वेज चल रहा है, एम लैंग्वेज, राइट। ये सारे यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हो ट्रांसफॉर्म कॉलम टाइप्स क्वांटिटी टाइप टेक्स्ट में चेंज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी एम ई ई पीछे जितना भी चलता है वो किस उसको क्या बोलते हैं, एम लैंग्वेज बोलते हैं। ओके, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये सारे स्टेप्स है एक एक। ओके, तो एक साथ अगर देखना चाहते हो कि यहाँ पे जो भी आप ये डेटा सेट पे ट्रांसफॉर्म किए हो वो कैसे दिखता है, आपको अगर ऐसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक देख पा रहे हो, फिर एक क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो उसमें जो चेंजेस किए होंगे वो दिख रहा है, यहाँ पे चेंज क्लिक करोगे तो वो चेंज जो भी चेंजेस किए होंगे इसके लिए
राइट, उसका जो एम क्वेरी जो चला हुआ है वो यहाँ पे देख पा रहे हो। तो मैं चाहता हूँ एट ए टाइम यहाँ पे जितना भी स्टेप्स मैंने अप्लाई किया है उसका सारा जो क्वेरी कहाँ पे लिखा हुआ है वो मुझे देखना है। तो उस केस पे उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, होम टैब पे यहाँ पे एडवांस एडिटर नाम का एक ऑप्शन है, देख रहे हो एडवांस एडिटर। तो एडवांस एडिटर पे जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का एक पॉपअप दिखेगा जहाँ पे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये सारे एम लैंग्वेज के थ्रू से लिखा गया है। ओके, यानी कि आप यहाँ पे जो भी चीज़ें परफॉर्म करते हो ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए वो सारे उसका पीछे एक एक लैंग्वेज चलता है जिसको बोलते हैं एम लैंग्वेज। और वो सारे यहाँ पे जितना सारे जो भी यहाँ पे अप्लाइड स्टेप्स आपने अप्लाई किया है उसको अगर आप देखना चाहोगे उसके पीछे कौन सा क्वेरी चला हुआ है तो उसके लिए एडवांस एडिटर पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये सारी चीज़ें जो भी स्टेप्स यहाँ पे आपने अप्लाई करते हो वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिख लिख के आ जाता है। और वो ये किस में है, एम लैंग्वेज पे है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे देखो मैंने क्या किया था, चेंज टाइप। तो यहाँ पे देख रहे हो चेंज टाइप वन। ओके, चेंज टाइप वन के अंदर यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कॉलम नेम टाइप्स और जिस क्वांटिटी नाम का जो कॉलम था उसका जो टाइप है उसको मैंने टेक्स्ट में कन्वर्ट किया। राइट, ठीक उसी हिसाब से सपोज मैं यहाँ पे और एक चीज करता हूँ, यहाँ पे डिस्काउंट कॉलम है, इसको मैं क्या करता हूँ रिमूव करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप ऐड हो गया, देखते हैं एडवांस एडिटर पे ऐड हुआ कि नहीं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आप देख पा रहे हो रिमूव कॉलम नाम का कॉलम खुल चुका है जिसमें हमने रिमूव कॉलम्स यहाँ पे चेंज टाइप में डिस्काउंट रखा हुआ है। राइट, तो आप जो भी चीजें करोगे वो क्या होगा यहाँ पे आपको एडवांस एडिटर पे देखने के लिए मिल जाएगा। और ये सारे जो है ये एम एम लैंग्वेज के थ्रू से लिखा हुआ है। ओके, तो इसके थ्रू से भी आप स्टेप्स में देख सकते हो या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे भी स्टेप्स को देख के यहाँ पे आप चेक कर सकते हो यहाँ पे जो भी अप्लाई स्टेप अप्लाई किया है वो सारे यहाँ पे एम लैंग्वेज के थ्रू से लिख के आ गया है। ठीक है, ओके, तो समझ में आया एम लैंग्वेज क्या है, कहाँ पे आप देख पाओगे जितना भी अप्लाइड स्टेप में जितना भी आप यहाँ पे लिखते हो वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे इजीली ड्रैग ड्रॉप करके सब कुछ चेंज कर देते हो। बट उसका जो इफेक्ट है वो हमेशा उसके एक बैकग्राउंड मतलब एक बैकएंड पे एक क्वेरी चलता है उसके लिए। ठीक है, और वो क्वेरी क्या होता है, एम क्वेरी होता है। और वो एम क्वेरी ऑटोमेटिकली लिख के आ जाता है, ये आपको लिखने का जरूरत नहीं है। आप जो भी स्टेप्स यहाँ पे अप्लाई करोगे उसके लिए बैकएंड पे एक एम क्वेरी चलता है और ऑटोमेटिकली वो ऐड होते जाता है कहाँ पे, अप्लाइड स्टेप्स पे। ओके, और अगर अप्लाइड स्टेप को एक साथ देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप डायरेक्टली होम टैब पे एडवांस एडिटर पे जाओगे तो आप देख सकते हो उसका क्वेरी जो लिखा हुआ है और अपने अपने हिसाब से ट्राई करना समझने के लिए, जरूरत नहीं है। बट इन फ्यूचर अगर आप जब मैनेजर लेवल पे जाओगे या फिर सीनियर मैनेजर रहोगे उस टाइम पे थोड़ा बहुत आपको एडवांस एडिटर का मदद पड़ सकता है। ठीक है, बट एनी हाउ आपको बिल्कुल भी डरने का जरूरत नहीं है एम लैंग्वेज आपको सीखने का। बस बेसिक चीज़ें अगर आपको लगता है सीखना चाहिए तो आप सीखो, अगर अभी अगर नहीं सीखना है तो मत सीखो, कोई बात नहीं। आप डायरेक्टली पावर क्वेरी एंड पावर बीआई को समझो पहले, उसके बाद आप आराम से ये देखने से ही समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। इसको कुछ समझने का जरूरत नहीं है आपको इसमें देखने की। ये एम 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 फंक्शन को रिमूव कॉलम्स, इसका मतलब समझ में आ रहा है, एक कॉलम रिमूव किया गया है। कौन सा कॉलम रिमूव किया गया है, डिस्काउंट नाम का कॉलम रिमूव किया गया है। राइट, तो इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं ये सारे स्टेप्स को रिमूव करता हूँ पहले, फिर देखते हैं नेक्स्ट हम लोग का जो ट्रांसफॉर्मेशन का क्या क्या है। ओके, तो हम लोग का जो डेटा सेट था वैसे ही था, इसको मैं आईडी कर देता हूँ बस। ठीक है, ऑलराइट, इतना तो समझ में आया मैंने जितना भी अभी तक पढ़ाया हुआ है। अंकिता आपको यस शक्ति को आ गया, अंकिता व्हाट अबाउट यू? हाँ समझ में आया। देन नेक्स्ट है यहाँ पे म्यूट करो। हाँ, तो यहाँ पे नेक्स्ट है, देखो होम टैब में इतना दूर कंप्लीट कर चुके हैं, देन प्रॉपर्टीज जाने को जरूरत नहीं है, ये कुछ काम का नहीं है, बट जरूरत हो तो बाद में देख सकते हो। एडवांस एडिटर में आपको समझ में आ गया क्या देखना है। राइट, देन है मैनेज। मैनेज में सिंपल है, अगर आप डिलीट करना चाहते हो, डुप्लीकेट करना चाहते हो, रेफरेंस करने के लिए, अगर रेफरेंस का ये आप दोनों का टास्क है। ठीक है, रेफरेंस जो है ये क्या है आपको देखना है। ठीक है, यानी कि एक टेबल है उसके साथ दूसरा टेबल का रेफरेंस करना चाहते हो तो यानी कि लिंक करना चाहते हो तो उसका इसका मदद ले सकते हो। आपको दोनों को देखना है रेफरेंस का मतलब क्या है। ठीक है, और मुझे नेक्स्ट क्लास से समझाना है। और डिलीट एंड डुप्लीकेट तो आपको पता है। राइट, डिलीट एंड डुप्लीकेट मतलब सिंपली टेबल को डिलीट करना चाहते हो यहाँ पे डिलीट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा मैनेज का, डिलीट डुप्लीकेट एंड रेफरेंस। राइट, सेम चीज़ है, अगर ये पर्टिकुलर टेबल में राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखने के लिए मिलेगा डिलीट, ओके, डुप्लीकेट एंड रेफरेंस, सेम चीज़ें हैं। मैं डिलीट मतलब यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो ये डेटा सेट डिलीट करोगे तो डायरेक्टली डेटा सेट जो है वो क्या होगा डिलीट हो जाएगा, या डिलीट पे क्लिक करोगे तो डिलीट हो जाएगा।
ठीक है, अगर यहाँ पे डिलीट होता है तो आप जब क्लोजन अप्लाई करोगे वो पावर बी डेस्कटॉप लेवल पे भी ये डेटा आपको नहीं दिखेगा। आप यहाँ से डिलीट करो मतलब डेटा सेट को डिलीट कर रहे हो, ठीक है। देन इसको अगर डुप्लीकेट करना चाहते हो तो सिंपल डुप्लीकेट करो, तो आपके पास एक नया डेटा सेट यहाँ पे ऑर्डर्स नाम का आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप डुप्लीकेट कर सकते हो। देन इसको डिलीट करना है, डिलीट कर सकते हो, ऑल राइट। डिलीट में क्लिक करो, डिलीट हो जाएगा। देन नेक्स्ट रेफरेंस, यहाँ पे अगर राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे रेफरेंस बटन पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, इसका एक रेफरेंस इसके साथ बन जाएगा। बट ये रेफरेंस क्या है वो आप दोनों को देखना है और मुझे समझाना है, ठीक है। इजी है ये भी, आप आराम से देख सकते हो, ऑल राइट। देन नेक्स्ट है मैनेज हो गया होम टैब के अंदर। होम टैब में हम लोग का यहाँ तक देखो, यहाँ पे अगर टेबल को सिलेक्ट करता हूँ तो ये एनेबल हो जाएगा। आगे से यहाँ पे सिलेक्ट नहीं था तो एनेबल नहीं था, यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद एनेबल होगा, ठीक है। तो सेम चीज़ें यहाँ पे डुप्लीकेट रेफरेंस एंड डिलीट, ये ऑप्शन जो है ये राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे और क्या क्या ऑप्शन है राइट क्लिक करने के बाद, देखो कॉपी, एक टेबल को कॉपी करना चाहते हो सिंपल कॉपी कर सकते हो, ठीक है। या फिर डायरेक्टली अगर यहाँ पे क्लिक करते हो तो एंटायर यहाँ पे, ओके, ऐसे क्लिक करके आप डायरेक्टली ऐसे ऐसे कंट्रोल प्रेस करके सारे को सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर कंट्रोल ए प्रेस करके सारे कॉलम को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो। इसको अगर आपको कॉपी करना है, सपोज कॉपी करना है, तो आप डायरेक्टली राइट क्लिक करके यहाँ पे कॉपी करके आप डायरेक्टली आप अपना एक्सेल शीट पे या फिर कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। सेम ठीक उसी हिसाब से और क्या ऑप्शन है, राइट क्लिक करो, कॉपी पेस्ट डिलीट रीनेम, ओके ये पता है। देन एनेबल लोड एंड इंक्लूड इन रिपोर्ट रिफ्रेश, ओके ये दोनों को मैं लास्ट में समझाऊंगा, एनेबल लोड क्या है एंड एनेबल एंड इंक्लूड इन रिपोर्ट रिफ्रेश क्या है, ठीक है। ये बाद में देखेंगे क्योंकि ये थोड़ा एंड ऑफ द डे में पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। देन डुप्लीकेट रेफरेंस मूव टू ग्रुप, मूव टू ग्रुप नाम का ऑप्शन है, यहाँ पे भी ग्रुप है, हम पढ़ेंगे आज ग्रुप क्या है, ओके मूव टू ग्रुप। देन क्या है एडवांस एडिटर, देन प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में अगर आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो क्या क्या कहते ऑप्शंस है। ऑर्डर्स नाम का टेबल है, देन एनेबल लोड, ये एनेबल है, ये भी एनेबल है, ये सिंपल है, एक कुछ जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एडवांस एडिटर पे क्लिक करोगे तो सिंपल आपको पावर क्वेरी एडिटर पे लेके चला जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे और एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, ये एडवांस एडिटर में आपको क्या क्या समझना होता है। एडवांस एडिटर में जैसे ही क्लिक करोगे ना, यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहला जो है वो है सोर्स, ठीक है। यानी कि आपका जो ये ऑर्डर्स नाम का टैब है, टैब ऑर्डर्स नाम का जो डेटा सेट है वो कहाँ से आ रहा है, उसका सोर्स है ये, ओके। सोर्स का यहाँ पे आप देख पा रहे हो उसका जो लिंक है, यूजर्स नाम का ऑप्शन, यूजर्स के अंदर लेनोवो डेस्क, लेनोवो के अंदर डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के अंदर पावर पी आई क्लास हम लोग का एक फोल्डर है, उसके अंदर एक फ्लिपकार्ट रिपोर्ट डेटा डॉट एक्सएल एस एक्स नाम का डेटा है, राइट। तो ये जो है सोर्स पहले आएगा, ठीक है। हमेशा से आप जब भी पावर एडवांस एडिटर पे जाओगे, सोर्स नाम का जो है ये वाला है ये सबसे पहले आपको दिखेगा, जहाँ पे आपका सोर्स का जो पाथ होगा वो यहाँ पे एडेड होगा, ठीक है। देन ऑर्डर्स, तो ये पहला वाला, ये पहला वाला चीज़ें हैं, ठीक है, ये पहला याद रखना। और बाकी चीज़ें जैसे जैसे स्टेप्स अप्लाई करोगे वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, रेनम कॉलम, प्रॉम्प्ट हेडर, ऑर्डर डिफाइंड नेम, राइट। तो ये दोनों भी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है, ये आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। देन यहाँ से जो स्टेप्स आप अप्लाई करोगे ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए वो यहाँ पे धीरे धीरे ऐड होते जाएगा। और हमेशा से याद रखना यहाँ पे जो है, ओके यहाँ पे जो एडवांस एडिटर पे देख रहे हो, यहाँ पे जो ऑप्शन, यहाँ पे जो चीज़ें लिखा होता है, जो स्टेप्स का नाम, ये स्टेप्स का नाम क्या है, ये एंटर स्टेप्स का नाम है ये, ओके। तो हमेशा देखना ये जो स्टेप्स है ये वाला, ये हमेशा यहाँ पे लिखा होता है, ठीक है। ऊपर का जो नेम था जो आपने स्टेप्स अप्लाई किया, उस स्टेप्स का नेम यहाँ पे लिखा होता है हमेशा, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, सपोज मैं कल को यहाँ पे और कुछ करता हूँ, यहाँ पे सपोज इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं रिमूव करता हूँ, इसका जो डेटा टाइप है इसको टेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे नया स्टेप्स ऐड हो गया। तो यहाँ पे अगर एडवांस एडिटर पे जाओगे ना, तो यहाँ पे और एक चीज़ें हैं, यहाँ मतलब जो दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे देखो प्रॉम्प्ट हेडर नाम का एक स्टेप्स है, जिसमें मैंने प्रॉम्प्ट हेडर नाम का ये वाला है, तो ये प्रॉम्प्ट हेडर्स यहाँ पे आप देख पा रहे हो, राइट, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। देन इस स्टेप्स का एंटर जो रीनेम का स्टेप्स हुआ है वो इसका नाम क्या है, रीनेम्ड कॉलम्स, तो वो जो नाम है वो यहाँ पे आपको दिखेगा, रीनेम्ड कॉलम्स। देन इसका जो स्टेप्स है ये क्या है, रिमूव्ड कॉलम्स, सेम चीज़ें आपको यहाँ पे रिमूव्ड कॉलम्स पे दिखेगा, ओके। प्रीवियस वाला जो नेम होता है स्टेप्स का, वो स्टेप्स नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे ऐड हो जाता है, ओके। एंड एट द एंड हर जगह पे ये कॉमा रहता है, आप देख लो ये हर जगह पे ये कॉमा रहता है, ओके। लेकिन लास्ट स्टेप जो होता है उसमें कॉमा नहीं रहता है। और यहाँ पे जो
यहाँ पे पहले लेट से स्टार्ट होता है और यहाँ पे इन आता है, और इन के बाद यहाँ पे जो भी चेंज टाइप होता है एट द एंड स्टेप्स जो होता है, मतलब ये लास्ट स्टेप्स है। ओके, लास्ट स्टेप का जो नाम है वो क्या है, चेंज टाइप है। तो ये जो लास्ट स्टेप रहता है ये इन के बाद यहाँ पे चेंज स्टेप बोल के ऑटोमेटिकली आ जाता है। ओके, तो ये आपको मैं क्या बता क्यों बता रहा हूँ, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको देखने का मन की या फिर समझने के लिए आप कोशिश करो तो उस टाइम पे आपको पता चलेगा ये जो है ये कहाँ से आ रहा है, राइट। और बाकी ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ए का मैंने रीनेम किया था, मतलब ए कॉलम को मैंने क्या कहता था, रीनेम्ड कॉलम किया था, किस नाम पे, आईडी नाम पे, ठीक है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, यानी कि ये जो स्टेप्स आपने अप्लाई किया था वो यहाँ पे लिखा गया है, और उस स्टेप के ऊपर मैंने क्या किया है, रिमूव कॉलम अप्लाई किया था। कौन सा कॉलम को रिमूव किया था, आईडी कॉलम को रिमूव किया था। देन जो आउटपुट यहाँ पे मुझे मिला था उस आउटपुट पे मैंने क्या किया, अभी ट्रांसफॉर्म टाइप किया, यानी कि डेटा टाइप को ट्रांसफॉर्म किया, किसका, ऑर्डर्स नाम का जो कॉलम था उसका जो टाइप है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, राइट। देन इनके बाद ये जो लास्ट स्टेप्स होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ऑलराइट। और यहाँ पे लास्ट स्टेप में कॉमा नहीं रहेगा, बाकी सारे स्टेप्स पे यहाँ पे कॉमा रहेगा। और जो पहला वाला जो ये लिंक लाइन रहता है ये हमेशा सोर्स रहता है, जिसमें कि हम लोग का जो डेटा सेट जहाँ से आता है उसका जो लिंक है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया होता है। ओके, और यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक है तो यहाँ पे आपका नो सिंटेक्स एरर हैव बीन डिटेक्टेड, यानी कि कोई भी सिंटेक्स एरर नहीं है ये बता रहा है। अगर कुछ एरर आता तो यहाँ पे आपको एरर दिखाता, ठीक है। तो आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, ये समझ ओनली फॉर योर नॉलेज पर्पज में बता रहा हूँ। ये एम क्वेरी जो ऑटोमेटिकली बैकएंड पे चलता है, बट अगर आप इन फ्यूचर जब बड़े हो जाओगे तब, यानी कि 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब ये थोड़ा थोड़ा आराम से आपको समझ में इजीली आ जाएगा। ओके, तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ और ये स्टेप्स जो मैंने अप्लाई किया था वो इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। देन होम टैब पे और क्या है, यहाँ तक खत्म हुआ। देन चूज कॉलम ऑलरेडी हमने कल कंप्लीट किया था, रिमूव कॉलम्स ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं, कीप रोस, रिमूव रोस एंड ये वाला क्या था, सॉर्टिंग भी ऑलरेडी कंप्लीट किए हुए हैं हम लोग का, क्या हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट है स्प्लिट कॉलम। स्प्लिट कॉलम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो स्प्लिट कॉलम का मतलब, सपोज मेरे पास कैसे बताऊँ, ठीक है, यहाँ पे सिंपल मैं एक डेटा एंटर करता हूँ, ठीक है, उसके ऊपर वो स्प्लिट कॉलम बताऊंगा तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे सिंपल एंटर डेटा में मैंने क्लिक किया, एक नया डेटा सेट मैं क्या करूँगा ऐड कर लूंगा, ठीक है, हो गया। देन इसमें मैं क्या करूँगा, इसका नाम जो है नेम, इसको मैं देता हूँ नेम, ये कॉलम का जो नेम है उसको मैं रखता हूँ नेम। ओके सॉरी, नेम इज एड्रेस, ठीक है, मेरा नाम है दीपन कुमार पटेल। अरे ऐसे क्या हो गया, दीपन कुमार पटेल, ठीक है। देन एंटर करता हूँ तो मेरा पूरा नाम यहाँ दिखेगा, ऐसे करता हूँ, ठीक है। अरे इतना सारा क्यों आ गया, दीपन कुमार पटेल, इसमें रिनेम को हट देता हूँ, ठीक है। देन सपोज यहाँ पे नीरज कुमार पटेल है, यहाँ पे दीपिका पटेल, ठीक है, ये तीन नाम डालता हूँ। देन एज मेरा यहाँ पे दे देते हैं 29, 25, 34, ओके। एड्रेस यहाँ पे सपोज मेरा, मैं ओडिशा, सपोज मेरा एड्रेस झारसुगुड़ा है, ठीक है। देन यहाँ पे संबलपुर, ओके, और यहाँ पे सपोज मैं देता हूँ दिल्ली से है, ओके। तो मेरे पास सिंपल एक टेबल है जिसका नाम है सिंपल टेबल डिटेल, ईएमपी डिटेल, ओके। ये सिंपल एक टेबल का नेम है जिसका नाम है एम्प्लॉय डिटेल, और इस टेबल पे तीन कॉलम है, एक है नेम, एक है एज, एक है एड्रेस, ओके। और सिंपल मैंने क्या किया, इसको ओके पे क्लिक करके क्रिएट टेबल पे एक नया टेबल मैंने क्रिएट यहाँ पे कर लिया, ओके। तो ये लोड हो रहा है,
आ गया ठीक है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय डिटेल नाम का एक टेबल है जिसमें लिखा हुआ है नेम एज एंड एड्रेस। ऑलराइट, तो मैं अभी मैं ये टेबल हम पहले समझ में आ गया हम लोग को कैसे हम एंटर टेबल एंटर कैसे करते हैं राइट। तो उसके बाद अभी हम पढ़ने वाले हैं होम टैब के अंदर जो स्प्लिट कॉलम नाम का ऑप्शन है वो कैसे यूज में आता है। ओके तो स्प्लिट कॉलम में इसका ऑप्शन ऐसे है, स्प्लिट कॉलम का मतलब से आप मतलब ये इसका नाम जो है उससे समझ में आ रहा है, स्प्लिट कॉलम मतलब एक पर्टिकुलर कॉलम है उस कॉलम को उस कॉलम में जितना भी जो भी वैल्यू है उसको आप स्प्लिट करना चाहते हो। ओके स्प्लिट मतलब सेग्रीगेट करना चाहते हो, तो उस केस पे आप स्प्लिट कॉलम का मदद ले सकते हो। यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, स्प्लिट बाय डेलिमिटर, स्प्लिट बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर, स्प्लिट बाय पोजिशंस, बाय लोअर केस टू अपर केस, अपर केस टू लोअर केस, बाय बिग बाय डिजिट टू नॉन डिजिट, बाय नॉन डिजिट टू डिजिट। इस तरह से आप सारे यहाँ पे ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। ओके तो अभी यहाँ पे क्या है देखो, सपोज यहाँ पे मेरा नेम है राइट, नेम नाम का एक कॉलम है, तो मैं चाहता हूँ मेरे पास ये जो नेम नाम का कॉलम है इसको मैं स्प्लिट करना चाहता हूँ और उसको फर्स्ट नेम, ये मेरा फर्स्ट नेम है राइट, ये मेरा लास्ट नेम है सॉरी मिडिल नेम है और ये मेरा लास्ट नेम है राइट। तो ये कॉलम को मैं तीन डिफरेंट कॉलम में स्प्लिट करना चाहता हूँ ठीक है। क्यों करना चाहता हूँ, सपोज मेरा रिक्वायरमेंट है मुझे एक टेबल बनाना है, मेरा क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है एक टेबल बनाना है जिसमें कि मुझे फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए और मिडिल सॉरी फर्स्ट नेम चाहिए, मिडिल नेम चाहिए एंड लास्ट नेम चाहिए, देन उसका एज चाहिए, देन उसका एड्रेस चाहिए, ऐसे उसका एक रिक्वायरमेंट है, उस तरफ का एक टेबल बनाना है। ओके तो उस केस में मैं क्या करूँगा, ऑब्वियसली मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पावर क्वेरी एडिटर में जाना पड़ेगा, एडिटर में जाने के बाद मेरे डेटा ऐसा है तो मुझे इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, मेरा रिक्वायरमेंट फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड मिडिल नेम चाहिए, तो मैं कैसे, यहाँ पे मेरे पास तो है नहीं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो बनाना पड़ेगा है कि नहीं। तो उसके उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, पावर क्वेरी एडिटर पे वो डेटा को लाने के बाद हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर नेम कॉलम को हम क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे राइट। तो अगर मैं सिंपल स्प्लिट में क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, पहले देखते हैं, यहाँ पे आगे से तीन कॉलम है तो यहाँ पे स्प्लिट कॉलम पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये ड्रॉप डाउन दिख जाएगा, स्प्लिट बाय, सबसे पहले स्प्लिट बाय डेलिमिटर है ठीक है, स्प्लिट बाय डेलिमिटर, डेलिमिटर मतलब क्या होता है, एक जैसे हम लोग का ऑप्शन होता है डेलिमिटर मतलब कॉमा हाइफेन ये सारे बोलते हैं डेलिमिटर, कॉमा हो गया हाइफेन हो गया एट द रेट हो गया राइट, ये सारे क्या क्या है, एक एक डेलिमिटर, स्पेस हो गया, टैब हो गया राइट, ये सारे डेलिमिटर है। तो सबसे पहले जिस कॉलम को आपको स्प्लिट करना है उस कॉलम को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल सिलेक्ट स्प्लिट कॉलम पे जाना है, देन बाय डेलिमिटर पे क्लिक कर सकते हो, आपको जिस हिसाब से स्प्लिट करना चाहते हो उनमें से आप उसी हिसाब से बाय डेलिमिटर, बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंड बाय पोजिशंस, ये तीन ऑप्शन होता है मोस्ट ऑफ द केस पे यूज करते हैं, बाकी सारे इतना यूज में नहीं आता है, बट ये तीनों चीज़ें जो है वो ज़्यादा से यूज आता है। सपोज मैं बाय डेलिमीटर, बाय डेलिमीटर मतलब जहाँ पे यहाँ पे दीपन कुमार पटेल यहाँ पे जहाँ पे स्पेस बीच में आ रहा है उसी स्पेस के हिसाब से मैं क्या करना चाहते हूँ, ये जो पर्टिकुलर कॉलम है उसको स्प्लिट करना चाहता हूँ। स्पेस मतलब समझ रहे हो, दीपन के जगह दीपन के बाद एक स्पेस है, कुमार के बाद एक स्पेस है, पटेल यहाँ पे लास्ट पे है। ओके तो स्प्लिट बाय डेलिमीटर मैंने क्लिक किया, तो जैसे डेलिमीटर क्लिक करूंगा मेरे सामने इस तरह का एक पॉपअप दिखेगा ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, स्प्लिट कॉलम बाय डेलिमीटर, देन यहाँ पे स्पेसिफाई द डेलिमीटर यूज्ड टू स्प्लिट द टेक्स्ट कॉलम, सिलेक्ट योर डेलिमीटर, आप किस तरह से आप ये जो कॉलम है उसको स्प्लिट करना चाहते हो, आपका जो डेलिमीटर है वो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल जैसे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेगा, कॉलम अगर सपोज यहाँ पे कॉलम होता है दीपन के बाद एक कॉलम सिंबल होता, कुमार के बाद एक कॉलम सिंबल होता, या फिर दीपन के बाद एक कॉमा होता, कुमार के बाद एक कॉमा होता, तो उस केस पे मैं कॉमा सिलेक्ट करता या ओके देन इक्वल टू साइन, या फिर यहाँ पे दूसरा दूसरा स्पेस है टैब है, तो हम लोग के यहाँ पे बीच में जो है ये क्या है, स्पेस है या फिर आप टैब बोल सकते हो, तो सपोज मैं स्पेस ले लेता हूँ, देखते हैं स्पेस के हिसाब से होता है कि नहीं, या फिर टैब को लेता हूँ ठीक है, क्योंकि इसको टैब बोला जाता है, टैब बोल सकते हो या फिर स्पेस बोल सकते हो, दोनों के देख सकते हैं। ओके देन स्प्लिट एट, यहाँ पे ऑप्शन है स्प्लिट एट ईच ऑकरेंस ऑफ द डेलिमीटर, यानी कि जब भी मुझे ये मेरा नाम से नाम पे जब भी एक टैब मिलेगा, या फिर यहाँ पे स्पेस ले लेते हैं इजी होगा, जहाँ पे भी ये नाम का बीच में स्पेस मिलेगा उस नेम के जगह पे ईच ऑकरेंस ऑफ द डेलिमीटर, यानी कि यहाँ पे एक दीपन क्या है एक नेम है, उसके बीच में एक स्पेस है, कुमार के बाद एक स्पेस है, यानी कि शुरू से स्टार्ट होगा यहाँ से देखना पड़ यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेगा और जहाँ पे मुझे स्पेस मिलेगा वहाँ पे स्प्लिट कर देगा, यहाँ पे स्पेस मिला स्प्लिट कर देगा, यहाँ पे स्पेस मिला स्प्लिट कर देगा ठीक है। ईच ऑकरेंस ऑफ द डेलिमीटर को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है
ठीक है, देन सपोज लेफ्ट मोस्ट डेलिमिटर करता, लेफ्ट मोस्ट डेलिमिटर मतलब लेफ्ट से वो पढ़ना स्टार्ट करता है और जो जहाँ पे भी पहला स्पेस उसको मिलता वहाँ पे उसको स्प्लिट कर देता, ठीक है। देन राइट मोस्ट डेलिमिटर यानी कि राइट से पढ़ना स्टार्ट करता और राइट से जैसे उसको स्पेस मिलता वहाँ पे स्प्लिट कर देता, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे करता है। सबसे पहले ईच ऑकरेंस ऑफ द डेलिमिटर को मैंने सिलेक्ट किया, देन सिंपल यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे एडवांस ऑप्शंस होता है, एडवांस ऑप्शंस के थ्रू से अगर करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो, बट अभी एडवांस को हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम इस ये पर्टिकुलर कॉलम को स्प्लिट करना चाहते हैं। स्प्लिट कैसे करना चाहते हैं, स्पेस के थ्रू से, और उसका जो स्प्लिट एट कहाँ पे होना चाहिए, ईच ऑकरेंस ऑफ द डेलिमिटर पे सिलेक्ट होना चाहिए, ये जहाँ पे भी स्पेस देखे वहाँ पे डिवाइड कर दिए। देन यहाँ पे सिंपल ओके बटन पे मैंने क्लिक किया, तो मेरा जो नाम था, नेम कॉलम था, वो अभी तीन डिफरेंट पार्ट पे डिवाइड हो गया। अब देख पा रहे हो ऑटोमेटिकली वो स्प्लिट हो गया। कैसे स्प्लिट हुआ, दीपन जहाँ पे देखा पहले लेफ्ट से स्टार्ट किया, दीपन जहाँ पे आया, देन उसके बाद एक स्पेस आया तो स्पेस जैसे ही देखा उसको एक कॉलम पे रख दिया। कुमार के बाद एक स्पेस मिला तो जहाँ पे कुमार के बाद स्पेस मिला वहाँ पे भी कॉलम क्रिएट कर दिया। देन पटेल उसके बाद यहाँ पे लास्ट जो था उसको एक स्प्लिट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, समझ में आया। ठीक उस हिसाब से नीरज कुमार पटेल, देन दीपिका, देन स्पेस जहाँ पे मिला वहाँ पे पटेल को यहाँ पे लेके आ गया। देन इसका ये फर्स्ट नेम रहा, देन ये मिडिल नेम में इसको ले लिया और लास्ट नेम में क्या है, नल है, इसका कुछ लास्ट नेम नहीं है इसलिए, राइट। तो हमको ये लास्ट नेम रखना चाहिए, राइट। तो लास्ट नेम को अगर रखना है तो आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। कैसे चेंज करेंगे देखेंगे उसको। तो इतना तो समझ में आया कैसे कैसे स्प्लिट होता है। तो इसको अभी मैं रीनेम कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरा फर्स्ट नेम, ओके, ये मिडिल नेम, ऑलराइट, देन यहाँ पे लास्ट नेम, ठीक है। तो मेरा जो एग्जिस्टिंग कॉलम था जिसका नाम था नेम, वो पर्टिकुलर कॉलम क्या हो गया, स्प्लिट हो गया थ्री डिफरेंट पार्ट में, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, ओके। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कॉलम पे जाके बाय डेलिमिटर की मदद से हम हमारा जो एग्जिस्टिंग कॉलम था उसको यहाँ पे डेलिमिटर जैसे डेलिमिटर था वो चूज करके अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम यहाँ पे ईच ऑकरेंस पे देखना चाहते हैं, राइट मोस्ट देखना चाहते हैं या फिर लेफ्ट मोस्ट देखना चाहते हैं, उस हिसाब से सिलेक्ट करके हम अपना जो एग्जिस्टिंग कॉलम था उसको थ्री डिफरेंट कॉलम पे स्प्लिट कर दिए, राइट। स्प्लिट करने के बाद अभी मैं अगर इसको क्लोज एंड अप्लाई करता हूँ तो आप अभी मेरे पास क्या दिखेगा, यहाँ पे सपोज मैं क्लोज एंड अप्लाई करता हूँ, ठीक है, क्लोज एंड अप्लाई करने के बाद अभी यहाँ पे मुझे क्या दिखेगा देखते हैं। यहाँ पे देखो अभी दोनों टेबल लोड हो रहे हैं, एक एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल और दूसरा है ऑर्डर्स टेबल। एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल कौन सा है, हम अभी जो कि हमने क्रिएट किया था वो टेबल है एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल, राइट। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हो एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल आ गया। यहाँ पे अगर डेटा लेवल पे जाते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल नाम का टैब है, क्यों, हाँ, एम्प्लॉय डिटेल्स डेटा लोड हो रहा है, ऑर्डर्स एम्प्लॉय डिटेल्स, हाँ यहाँ पे आ गया एम्प्लॉय डिटेल्स नाम पे हम लोग का, जैसे हमने जैसे बनाया था, फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम, मिडिल नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, एज आ गया, एड्रेस आ गया, राइट। तो मेरा रिक्वायरमेंट क्या था, सिंपल एक टेबल बनाना था जिसमें कि मुझे चाहिए था फर्स्ट नेम, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता कर सकता हूँ फर्स्ट नेम, देन मिडिल नेम, देन लास्ट नेम, देन एज, देन एड्रेस, राइट। तो मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे मेरा जो टेबल था वो यहाँ पे बन जाएगा। स्लो हो रहा है सिस्टम, आ गया, राइट, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, सम ऑफ एज और यहाँ पे एज, इसको आप रीनेम करना चाहते हो, यहाँ से आप डायरेक्टली डबल क्लिक करके सम ऑफ एज, क्यों, हमको सिंपल एज नाम का कॉलम चाहिए तो सिंपल एज रखो, देन यहाँ पे एड्रेस आ गया, राइट। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको ये चाहिए था, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था ऐसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, एज ऐसे चाहिए था आगे से, राइट।
मतलब ऐसे ही हमको चेंजेस करना चाहिए था, तो हमने हम पावर क्वेरी एडिटर पे स्प्लिट कॉलम की मदद से हमने ये स्प्लिट करके रेडी कर लिया। समझ में आया? यस हाँ देन फिर से ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाते हैं। ओके ठीक है। देन यहाँ पे हम लोग का एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल है। ओके तो यहाँ पे मिडिल नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, एज आ गया, फर्स्ट नेम। तो यहाँ पे सपोज मैं चाहता हूँ यहाँ पे नल वैल्यू है, राइट? तो मेरा जो पटेल है यहाँ पे, दीपिका पटेल जो है, वो लास्ट में आना चाहिए, यहाँ पे नहीं आना चाहिए, राइट? यहाँ पे क्या होना चाहिए? नल आना चाहिए, करेक्ट? और यहाँ पे मुझे क्या दिखना चाहिए? यहाँ पे पटेल दिखना चाहिए, राइट? तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कैसे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इसको अगर मुझे पटेल करना है और इसको नल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ, कौन सा ऑप्शन यूज कर सकते हैं? एक रिप्लेस नाम का ऑप्शन होता है, राइट? रिप्लेस हमने पढ़ा हुआ है, ओके तो यहाँ पे हम रिप्लेस कर सकते हैं पटेल जो है उसको। हम क्या करेंगे, पटेल जो है उसको रिप्लेस कर देंगे किस में? नल वैल्यू पे। और नल वैल्यू जो है उसको रिप्लेस कर देंगे पटेल वैल्यू पे, राइट? तो यहाँ पे मैं चलता हूँ यहाँ पे, देन यहाँ पे देखते हैं हो सकता है कि नहीं, रिप्लेस वैल्यू। ओके तो यहाँ पे मेरा पटेल जहाँ पे है, जिस कॉलम पे रिप्लेस करना चाहते हो सबसे पहले उसको सिलेक्ट करना है, देन रिप्लेस वैल्यू पे जाना है, देन जो वैल्यू को रिप्लेस करना चाहते हो, किसके साथ रिप्लेस करना चाहते हो, सिंपल एक स्पेस दे देता हूँ, ओके, ताकि वो मुझे स्पेस दिखे वहाँ पे, देन सिंपल ओके पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे पटेल हट गया, राइट? देन उसी हिसाब से यहाँ पे जाके क्या करना है, रिप्लेस देखते हैं इसको कर सकते हैं कि नहीं, रिप्लेस रिप्लेस वैल्यू ओके। देन यहाँ पे जहाँ पे मुझे नल मिलता है तो यहाँ पे पटेल देखते हैं ये होगा कि नहीं, पटेल के साथ रिप्लेस करना चाहता हूँ। हो गया, हुआ कि नहीं? अभी यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है, ब्लैंक वैल्यू है, यहाँ पे पटेल दिख रहा है। हम लोग का रिक्वायरमेंट रेडी हो गया, राइट? यहाँ पे मैंने पटेल था, रिप्लेस की मदद से मैंने इसका नल वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पे जो नल पटेल था उसको मैंने रिप्लेस कर दिया। इसको अगर मैं इसको अगर हाँ इसमें अगर पे रिप्लेस वैल्यू का ऑप्शन है, अगर यहाँ पे भी जाता हूँ देखते हैं, यहाँ पे एक स्पेस था, चल मैं इसको भी मैं हटा देता हूँ स्पेस को, ठीक है? तो हम लोग का जैसे रिक्वायरमेंट था वैसे यहाँ पे हमने बना लिया, राइट? कोई भी अगर सेल पे ऐसे क्लिक करोगे और ऐसे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी ऑप्शन मिलता है रिप्लेस वैल्यू का, ओके? रिप्लेस वैल्यू यानी कि वो वैल्यू को आप रिप्लेस करना चाहते हो, राइट? यहाँ मतलब मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे ऐसे राइट क्लिक करके यहाँ पे जाके ऐसे रिप्लेस करना पड़ता है रिप्लेस वैल्यू, राइट? तो रिप्लेस वैल्यू में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको वैल्यू लिखना पड़ेगा, राइट? सपोज मैं दिल्ली को मुंबई करना चाहता हूँ तो यहाँ पे दिल्ली लिखना पड़ेगा, बट यहाँ पे अगर यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे रिप्लेस वैल्यू करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिल्ली लिख के आ जाएगा, राइट? है ना, यहाँ पे आपको लिखने का जरूरत नहीं है, ओके? तो इस तरह से आप रिप्लेस वैल्यू की मदद से आप अपना जो डेटा था उसको ट्रांसफॉर्म कर पा गए, राइट? समझ में आया? द नेक्स्ट है, ये हो गया हम लोग का स्प्लिट, राइट? देन और क्या है स्प्लिट में, और क्या ऑप्शंस था यहाँ पे देखो, बाय बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर था, राइट? बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर, सपोज अभी मैं अभी क्या करूँगा, हाँ ठीक है, ओके। तो इसको मैं, ये समझ में आ गया, राइट? फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, देन उसको कैसे रिप्लेस करते हैं, हम लोग का रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाटा को चेंज करते हैं, ये समझ में आया या नहीं आया अंकिता? यस राइट, ओके। तो इसको मैं रिप्लेस वैल्यू को रिमूव करता हूँ, ठीक है? देन इसको भी रिमूव कर रहा हूँ, इसको भी रिमूव कर रहा हूँ, रिनेम्ड कॉलम, इसको भी रिनेम चेंज चेंज करके स्प्लिट कॉलम को भी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है? मेरे पास ऐसे था, ओके। अभी नेक्स्ट है, अभी नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, देखो यहाँ पे स्प्लिट कॉलम का ऑप्शन था, मैं फिर से ये कॉलम पे मैं स्प्लिट करना चाहता हूँ, स्प्लिट का मदद लेके यहाँ पे स्प्लिट में गया, देन बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर, ओके। बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर के थ्रू से भी ये पर्टिकुलर कॉलम को आप स्प्लिट कर सकते हो। बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर मतलब यहाँ पे मेरा टोटल कैरेक्टर कितना है, 1 2 3 4 5 6, देन स्पेस भी एक कैरेक्टर है, ओके, 7 8 9 10
11, 12, then space भी एक करेक्टर है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 करेक्टर है यहाँ पे, समझ में आया? 18 करेक्टर कैसे आया? स्पेस भी एक करेक्टर है, उसको भी काउंट करना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ इसको अभी स्प्लिट करने के लिए, यहाँ पे मेरा 17 है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके? तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे तीन करेक्टर के बाद स्प्लिट कर दूँ, यानी कि एक ऐसा कॉलम बने, मतलब ये नेम जो कॉलम है वो दो कॉलम पे सेग्रीगेट हो जाए, एक में सबसे पहला जो नाम है उसका तीन लेटर रहना चाहिए, डी डबल ई एन आई आर एंड डी डबल ई रहना चाहिए, और बाकी जो है वो एक नया कॉलम पे रहना चाहिए, ओके? तो वो कैसे करेंगे? सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन स्प्लिट कॉलम पे जाएंगे, बाय नंबर ऑफ करेक्टर, यहाँ पे बाय डेलीमीटर नहीं करेंगे, बाय नंबर ऑफ करेक्टर, हम करेक्टर के नंबर ऑफ करेक्टर के थ्रू से स्प्लिट करना चाहते हैं, राइट? तो बाय नंबर ऑफ करेक्टर पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर आप स्प्लिट कितना नंबर कैरेक्टर के बाद आप स्प्लिट करना चाहते हो, यहाँ पे आप सिंपल लिख देना है 3 3, ओके? देन रिपीटेडली, देन वंस एज द लेफ्ट एज द पोजीशंस, देन वंस एज फॉर राइट एज द पोजीशंस, मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट करूँगा, वंस थोड़े वन टाइम रिप्लेस करना है, मतलब वन टाइम स्प्लिट करना है, एज लेफ्ट एज द पॉसिबल, फर्स्ट एज देखना शुरू करेगा और जहाँ पे तीन करेक्टर मिलेगा वहाँ पे उसको स्प्लिट कर देगा, ठीक है? तो यहाँ पे हमने तीन डाल दिया, देन यहाँ पे सिंपल ओके पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो डी डबल ई यहाँ पे आ गया, एन आई आर आ गया, डी डबल ई आ गया और दूसरा कॉलम ये क्रिएट हो गया, समझ में आया? कैसे स्प्लिट करते हैं? बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर के थ्रू से, ठीक है? तो अगर मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ, ओके, यहाँ पे इसको एडिट करना चाहता हूँ, तो सिंपल फिर से यहाँ पे देखो, स्प्लिट कॉलम बाय पोजीशंस के साइड पे एक गियर ऑप्शन है, राइट? मैं नहीं, यहाँ पे तीन नहीं चार करेक्टर के बाद करना चाहता था, तो सिंपल यहाँ पे आपको जाना है, ओके, स्प्लिट कॉलम बाय पोजीशंस में, यहाँ पे ये जो आइकन है यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे तीन की जगह आगे तीन था, यहाँ पे मैं चार कर देता हूँ, देन यहाँ पे मैं वंस एट द लेफ्ट से नहीं राइट से करना चाहता हूँ चार करेक्टर, या फिर ऐसे यहाँ पे डायरेक्टली तीन था, यहाँ पे चार पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे चार करेक्टर आ जाएगा, बाकी इधर आ जाएगा, राइट? समझ में आया? इस हिसाब से हम नंबर करेक्टर के थ्रू से हम क्या कर सकते हैं, हम डिवाइड कर, मतलब स्प्लिट कर सकते हैं पर्टिकुलर कॉलम को, राइट? ओके, देन इसको अगर मैं रिमूव करता हूँ और जैसे था वैसे कर देता हूँ, देन इसमें फिर से मैं अभी स्प्लिट कॉलम बाय पोजिशंस करना चाहता हूँ, ओके? बाय, यहाँ से समझ में आया? बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर के थ्रू से आप लेफ्ट से भी पढ़ सकते हो, यहाँ पे देखो लेफ्ट पे था, या अगर मैं यहाँ पे तीन करेक्टर जाता और यहाँ पे राइट हैंड साइड से करता तो यहाँ पे ओके पे क्लिक करूँगा तो राइट हैंड साइड से चार करेक्टर तीन करेक्टर यहाँ से लेगा, पटेल का टी ई एल इधर आ गया, टी ई एल आ गया, टी ई एल आ गया, बाकी इधर आ गया, राइट? राइट हैंड साइड से आया, राइट? तो इसलिए आप यहाँ से राइट हैंड साइड से क्लिक किया तो इसलिए वैसे आया। सपोज मैं यहाँ पे रिप्लेस रिपीटेडली करना चाहता था तो यहाँ पे ओके पे क्लिक करूँगा तो हर एक एक तीन तीन करेक्टर जो होता है, यहाँ पे तीन करेक्टर आया, देन यहाँ पे दो करेक्टर आया, ऐसे क्यों आया? देखते हैं स्प्लिट कॉलम, इसको भी रिमूव करता हूँ, ये आ गया, स्प्लिट कॉलम पे गया, देन नंबर ऑफ करेक्टर, ओके, नंबर ऑफ करेक्टर के जाने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, थ्री लिख दूंगा और रिपीटेडली यानी कि तीन तीन करेक्टर के बाद रिप्लेस होगा, डी डबल ई एक आएगा, देन पी एन एक आएगा, देन स्पेस के यू एक आएगा, एम ए आर एक जगह पे आएगा, स्पेस पी ए टी सॉरी पी ए एक जगह पे आएगा, टी एल एक जगह पे आएगा, रिपीटेडली यहाँ पे आप देख सकते हो तीन तीन करेक्टर के बाद वो क्या क्या है सेग्रीगेट किया गया है, तीन करेक्टर यहाँ पे डी डबल ई देन पी ए एन देन के यू देन यहाँ पे स्पेस है इसलिए वो नहीं दिख रहा है बट स्पेस है इसलिए वो उसको तीन करेक्टर माना है, ठीक है? यहाँ पे ए जे के बाद एक करेक्टर एक स्पेस है इसलिए ए जे के ए जे एंड स्पेस को तीन काउंट किया है, ठीक है? बट स्पेस नहीं दिख रहा है इसलिए हमको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है बट यहाँ पे तीन करेक्टर है, ओके? यहाँ पे ए के बाद एक करेक्टर स्पेस है, राइट? देन पी है इसलिए ए स्पेस पी लिया है यहाँ पे तीन करेक्टर यहाँ पे, राइट? तो एवरी थ्री करेक्टर के बाद वो क्या करेगा आपका जो कॉलम है उसको स्प्लिट कर देगा, इसी हिसाब से हम अपना जो करेक्टर जो कॉलम था उसको स्प्लिट कर दिया डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पे, समझ में आया ये? ओके, देन फिर से जैसे कि था वैसे कर देता हूँ और क्या यहाँ पे ऑप्शंस हैं देखो, यहाँ पे क्लिक किए देन स्प्लिट कॉलम पे बाय पोजीशन, ओके, बाय पोजीशंस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ बाय पोजीशन के थ्रू से भी आप इसको क्या कर सकते हो स्प्लिट कर सकते हो, बाय पोजीशंस पे यहाँ पे देखो
पोजीशंस नंबर मैं यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ऑप्शंस दे दिया है, 0 नंबर पोजीशंस पे आप स्प्लिट करना चाहते हो, 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 4 नंबर, तो सिंपल मैं 3 के बाद एक स्प्लिट करना चाहता हूँ, फिर 3 के बाद एक स्प्लिट करना चाहता हूँ बाकी जैसे के वैसे। तो यहाँ पे क्या करूँगा, 3, सपोज 2, ओके 3, 2, बस 3 एंड 2, बस ये ऑप्शन ऐसे दिख रहा है, ओके कॉमा के बाद स्पेस देना पड़ेगा, ये बोल रहा है कॉमा के बाद स्पेस दो, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे 2, स्पेस 3, स्पेस, ओके हाँ 2 एंड 3, यानी कि 2 के बाद कॉमा देना है, उसके बाद यहाँ पे एक स्पेस है, ये एक स्पेस है देखो कॉमा के बाद, समझ रहे हो ना। यहाँ पे देखो मैं पॉइंटर लेता हूँ, समझ में आ रहा है, एक एक स्टेप आगे जा रहा है राइट, यानी कि एक स्पेस रहना चाहिए, 2, then comma, then space, then 3 लिखना चाहिए, यानी कि 2 कैरेक्टर पहले होगा इसमें स्प्लिट पड़ेगा, उसके बाद 3 कैरेक्टर है उसमें स्प्लिट पड़ेगा, देन रेस्ट ऑफ द थिंग में पड़ेगा, देन 3 नंबर कैरेक्टर पे, ओके ऑलराइट। इसका मतलब है यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्प्लिट करना चाहता हूँ किसके हिसाब से, बाय पोजीशंस के हिसाब से। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 2 डालता हूँ, ओके तो 2 नंबर जो कैरेक्टर है वो हमको दिखेगा, यहाँ पे ई है राइट, यहाँ पे आई है, यहाँ पे ई है राइट, यहाँ पे ये दिखेगा, देन यहाँ पे कॉम, यहाँ पे सिंपल 2 लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या आ रहा है। देखो 2 लिखने के बाद DEE, यानी कि DEE, यानी कि 2 कैरेक्टर के बाद जो वैल्यू था उसको एक कॉलम यहाँ पे मान लिया है राइट, DEE PAN था, तो DEE उनमें से डबल ई से एक ई को वो क्या किया, हटा दिया, और उसके बाद जो वैल्यू था वो हमको यहाँ पे एक एक नया कॉलम क्रिएट करके प्रोवाइड कर दिया, समझ में आया ना। देखो आगे से ऐसे था ऐसे राइट, तो मैं यहाँ पे स्प्लिट करना चाहता हूँ किसके हिसाब से, बाय पोजीशन के हिसाब से। तो मैं जहाँ पे भी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सपोज 1, 2, 3, 4, मैं पी से उसको इसको ये करना चाहता हूँ, स्प्लिट करना चाहता हूँ पी नंबर पोजीशन से, ओके तो सिंपल ये कौन सा पोजीशन पे, पहले काउंट कर लो 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा 4 डाल दूंगा, 4 डालने के बाद 1, 2, 3, 4, यानी कि मुझे ए एन के बाद वैल्यू दिखेगा, देखते हैं। देखो ए एन के बाद वैल्यू दिख रहा है राइट, तो इसी हिसाब से आप स्प्लिट कॉलम पे बाय पोजीशन के थ्रू से भी आप अपना जो कॉलम है उसको स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है समझ में आया। देन और क्या ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करो, देन यहाँ पे जाके यहाँ पे बाय लोअर टू अपर, बाय अपर टू लोअर, बाय डिजिट टू नॉन डिजिट, बाय नॉन डिजिट टू डिजिट, बट ये मोस्ट ऑफ द केस पे यूज में नहीं आता, डेलिमिटर से नंबर ऑफ कैरेक्टर एंड पोजिशन के थ्रू से कर सकते हो, अगर ये भी जानना है तो थोड़ा एक बार आप एक्सप्लोर कर लेना यूट्यूब से, ठीक है। बाय लोअर केस टू अपर केस, सपोज यहाँ पे लोअर केस रहता ये वाला, देखते हैं बाय लोअर टू अपर, क्या हुआ यहाँ पे, कुछ नया कॉलम तो ऐड तो हो गया बट देखते हैं, बाय लोअर टू अपर, ओके ठीक है कोई बात नहीं, ये काम पे इतना नहीं आता है बट एक बार एक्सप्लोर कर लेना, ठीक है। बाय लोअर टू अपर, अपर टू लोअर, जो है जो भी ये थोड़ा बहुत देख लेना, ठीक है एक मिनट रुक जाओ। तो ये समझ में आ गया राइट, स्प्लिट कॉलम कैसे करते हैं, ओके इसमें कुछ डाउट है अंकिता, शक्ति आपका कुछ डाउट है इसमें? नहीं, नो। देन ओके ये हो गया, देन ग्रुप फिर क्या फोन कर रही है, एक सेकंड, ओके देन आ गया क्या, ग्रुप बाय, ओके तो ग्रुप बाय को अभी पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, ठीक है चलो कोई बात नहीं, अभी हम यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। ग्रुप बाय जो है ये फिर से और एक क्लास लगेगा, इतना तो कवर कर नहीं पाया आज, ठीक है कोई बात नहीं। ग्रुप बाय जो है इसको पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें से रिप्लेस वैल्यू, ये तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, मर्ज एंड अपेंड, ये 3 चीज़ें यहाँ पे है इम्पोर्टेंट है, टिक टिक टिक, ओके ग्रुप बाय मर्ज क्वेरी, ओके ठीक है नेक्स्ट क्लास पे ये पढ़ते हैं, ओके आज मैक्सिमम आज रात को फिर से एक क्लास करेंगे, ऑलराइट वो 8:30 बजे, स्प्लिट कॉलम उसमें पढ़ेंगे, मर्ज क्वेरी, अपेंड क्वेरी, ऑलराइट ये 3 कंप्लीट करेंगे तो होम टेम्पलेट जितने भी ऑप्शन है वो सारे कंप्लीट हो जाएगा। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप बाय एंड मर्ज क्वेरी अपेंड क्वेरी, ओके ये तीनों को मैं कंप्लीट जैसे भी आज करवाऊंगा, एनी हाउ वो हाफ एन आवर टाइम लगेगा, मैं ये इसको जैसे कंप्लीट करवाऊँगा, ठीक है। देन ट्रांसफॉर्म में आएंगे और इसमें जो भी छोटा छोटा चीज़ें हैं मोस्ट ऑफ द केस पे ये सारे हमने कंप्लीट करके रखा हुआ है, बट ये थोड़ा यहाँ पे बस ट्रांस ये वाला है बाकी है यहाँ पे,
और कुछ नहीं है, होम टैब पे मोस्ट ऑफ द केस पे जो है ये तीन चीज़ें हैं, ये दोनों और ये तीन, ओके ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं आज आपको कवर अप करवा दूंगा, ठीक है शाम को। और कुछ डाउट है किसी का तो बोल सकते हो।